गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पार्वन तस्मिन श्री गुरु नमः। प्यारी संगत, अब ये सत्संग का प्रोग्राम शुरू करते हैं। पहले चाहते हैं डॉक्टर कमला के एक शब्द, अभी तक तो बातें कर रहे थे, सुन नहीं रहे थे, तो उसमें श्रद्धा विश्वास के लिए शब्द हैं, ये अलग महात्मा बोले। मैं एक आपको शब्द सुना देता हूँ कबीर साहब का। उसमें कहते हैं अपने शिष्य बैठे हैं, कहते हैं कि भाई पानी में मछली है और कहती प्यास मर रही हूँ, तो उनको बता रहे हैं परमात्मा तो तुम्हारे अंदर है और तुम उसकी तलाश करने के लिए बाहर जाते हो। पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुनावे हंसी, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। इस आत्मा के ज्ञान के लिए कोई कहाँ जाता, कोई कहाँ जाता, कोई मथुरा जाता, काशी जाता, कोई उस गुरु के पास जाता, कोई उस गुरु के पास जाता। तो कबीर साहब कहते हैं क्योंकि उनको अज्ञान आदमी को अगर ये पता हो कि मेरे अंदर वो है तो तलाश नहीं करेगा, वो अंदर है आदमी के, आदमी को पता नहीं है, अज्ञान है। आगे फिर वो कहते हैं जैसे मृग नाब कस्तूरी बन बन फिरत उदासी। हिरण के नबी के अंदर कस्तूरी होती है, फूट जाती है, खुशबू आती है, वो फिर झाड़ी के पास जाता, उसमें जाता, उसमें झाड़ियाँ सूंघता, झाड़ियाँ सूंघता फिरता, सब झाड़ियों में नहीं मिलता, फिर निराश होकर बैठ जाता है। इसी तरह आदमी पल परमात्मा की तलाश करता है, सुख की तलाश करता है और उसको मिलता है नहीं, कहीं परेशानी रहती है। तो वो कहते हैं वो तो आपके अंदर ही है सब कुछ। आगे फिर वो कहते हैं जल बीच कलम कमल, कमल बीच कलियाँ ताम्र भोरा निवासी, के जल के बीच में कमल, कमल के अंदर कलियाँ हैं। ये संसार सागर है और इसके अंदर ये मनुष्य है कमल, और इसके अंदर भोरा, इसका जो भोरा बोलने वाला है ये निवासी आनंद दे रहा है। इनमें मतलब तो मनुष्य के अंदर ही वो परमात्मा, इसको पता नहीं। इसके आगे वो कहते हैं सोमन बस कर लोक भयो सब यति तपी सन्यासी। सुनो मास्टर जी, सुन लो बात, सुन लो तो बता रहा, कोई फायदा नहीं। सत्संग सुनने की चीज़ है, सत्संग ऐसा है कि सत्संग को सुनने का तरीका है। ये बात ही फॉर्मेलिटी वगैरह, ये माला हार डालना, ये डालना, ये डालना, अच्छे कर्मकांड है, ठीक है, कुछ नहीं। जो कहने वाला उसके वचन को सुनो, अरे वचन सुनने के लिए सुना नहीं जाता, ऐसे रहता आदमी, इसलिए ये अभ्यास कराते हैं। और अभ्यास कुछ नहीं है, ये साधन जो करते हैं, समाधि लगाए बैठे हो, दो घंटे समाधि लगाता है, तीन घंटे क्या लगाता है, इसलिए कि उसका मन ठहर जाए ताकि बात समझ ले। अगर बात समझ ली जाए किसी अनुभवी की तो वो आ गया, हो गया सत्संग, बात कर ली, संगत कर ली उसकी, तो हो गया। तो आगे वो कहते हैं कि सोमन बस कर लोक भयो सब, इनमें से कुछ आदमी मन बस करके साधना की, सूक्ष्म लोकों में चले गए और सूक्ष्म लोकों में लीला देखते हैं, और वो लीला उनको पता कि वो देखने वाला तो वही खुद ही है, वही तो बनाता है लीला, उसको ये पता नहीं है कि मैं बनाता हूँ लीला, लीला कोई बाहर से नहीं आती है, और मनुष्य को पता नहीं है, ये अनुभव करते हैं। कोई सूर्य देखता है, कोई चाँद देखता है, कोई तारे देखता है, कोई कुछ देखता है, अलग अलग नज़ारे, कोई अपने गुरु पीर का इष्ट का रूप देखते हैं इस उनके अंदर से। फिर कहते हैं जाको ध्यान धरतिन हरिहर, कबीर साहब कह रहे हैं इसमें कि जिसका ध्यान हरिहर कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु जिसका ध्यान करते हैं, और मुनिजन सहस 88,000 मुनि जिसका ध्यान कर रहे हैं, सो तेरे घट अंदर बिराजे परम पुरुष अविनाशी। अरे भैया वो तो तेरे अंदर है, या अपने शिष्यों को बता रहे हैं कि वो तो आपके अंदर है। फिर वो आगे कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु बिना भरम नहीं जासी। गुरु वाणी बताने वाले के बिना, किसी जिंदे आदमी के बिना बताए वो भरम नहीं जाएगा, भरम दूर हो जाता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेमी सजनों, जैसा कि अभी आप शब्द सुन रहे थे, पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवे हाँसी, क्या मतलब कि परमात्मा हमारे अंदर है और हम उसे खोजने के लिए कहीं तीर्थों पे, कहीं किसी घाट पे, कहीं मंदिर में, कहीं गुरुद्वारों में घूम रहे हैं। तो परमात्मा हमारे अंदर है, किस रूप में है, कैसे हम उसको जान सकते हैं, ये एक प्रश्न है। और ये प्रश्न शायद सभी के लिए होगा, क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर है लेकिन हम उसको देख नहीं सकते।
कितना गजब का खेल है उस परमात्मा का कि वो हमारे अंदर ही विराजमान है और हम इन आँखों से उसे देख नहीं सकते। तो इसके लिए हमें कौन दिखा सकता है हाजिर तो दूर बतावें, दूर की बात निराशी, कहत कबीर सुनो वही साधु, गुरु बिना भरम न जासी। लास्ट पंक्ति में इसका समाधान भी बता दिया है कि गुरु ही आपके उस भ्रम को दूर कर सकता है कि वो परमात्मा आपके अंदर है और आप भ्रम में उसे जो खोजते फिर रहे हो तो उसको आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो अपने अंदर परमात्मा को हम कैसे जान सकते हैं, इसके लिए गुरु की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि बिना गुरु के आप उस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते। और इसके लिए शास्त्रों में ये दोहे भी भरे हुए हैं कि गुरु गोविंद दोऊं खड़े, काके लागे पाऊं, बलिहारी वा गुरु की जिन गोविंद दियो बताए। और दूसरा मैंने भी पढ़ा ही था, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को साक्षात परब्रह्म बताया है क्योंकि गुरु के बगैर हम उस परमात्मा को देख ही नहीं सकते। तो अब प्रश्न ये उठता है कि गुरु कौन? यहाँ सबसे बड़ा भ्रम है। लोग जो है गुरु के चक्कर में इतने ज़्यादा भ्रम में हैं आज के युग में, और वो भ्रम ज़्यादा मीडिया से और पैदा हो गया है, क्योंकि पहले मीडिया नहीं था तो गुरु पाखंड तो वैसे ही चलता आ रहा है शुरू से, तो लोगों को पता नहीं लगता था। अब आए दिन हम जब टीवी देखते हैं गुरुओं के ऊपर से पर्दा उठता है कि वो गुरु वैसा निकला, वो गुरु वैसा निकला, कितने कितने टाइम से उनके प्रचार चल रहे थे और अंत में जब वो जेल जा रहे हैं तो यहाँ पर सारा ही कबाड़ा ही हो जाता है, समझ लो। लोगों का विश्वास ख़त्म हो जाता है, वो कहते हैं कि कोई गुरु वुरु कोई है ही नहीं। लेकिन हम जो है एक दो व्यक्ति से सभी का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सच्चाई इसी संसार में है। तो ऐसे गुरु हैं बहुत कम। मैं ये क्यों कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा कोई प्रारब्ध कर्म था कि मुझे बचपन से ही उस राम नाम को जानने का शौक था। मुझे राम पर बहुत ज़बरदस्त विश्वास था। सबसे पहले रामलीला देखी थी, उससे मेरे राम के संस्कार पड़े और मुझे लगता था कि राम से बड़ा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और मैं हमेशा जब भी बचपन में बहुत डरपोक प्रवृत्ति की थी, जब मुझे डर लगता था तो मेरा राम राम शुरू हो जाता था, ऑटोमेटिकली अंदर ही अंदर राम राम चलता रहता था, बहुत डरपोक थी। और उस राम नाम के सहारे से मेरी रक्षा होती रही, जहाँ भी जाती जैसे भी होता, जहाँ भी संकट आया तो अंदर से मेरी राम नाम की धुन शुरू हो जाती थी। और इस तरह से मेरा बचपन बीता। तो राम नाम की समझ नहीं थी, केवल इतना ही पता था कि राम का नाम जपने से जो है संकट दूर हो जाते हैं। और मेरे साथ ऐसा घटित हुआ, बचपन से जो है मैं जवानी तक पहुंची। और आप ये देखिए, जो मैंने सोचा, विचार की फिलॉसफी उस समय तक मुझे पता नहीं थी, ये तो जब मैं महाराज जी के संपर्क में आई और मैंने महाराज जी के जो गुरु परमदयाल फ़कीर चंद जी थे उनका साहित्य पढ़ा, तो मुझे समझ में आया कि इंसान के विचार में ज़बरदस्त ताकत है, वो जो सोचता है वो हो जाता है, लेकिन हमें इस बात का ज्ञान नहीं है। हम कभी अच्छा सोचते हैं, कभी बुरा सोचते हैं, कभी क्रोध के विचार होते हैं, कभी किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, कभी बदले की भावना रहती है, तो उन विचारों का परिणाम हम भोगते रहते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा इस हमारे जीवन में घटित होते रहते हैं। तो मुझे जब पता लगा तो मैं एनालिसिस करती रही कि वाकई आदमी के विचार में कितनी ताकत है, क्योंकि जो जो मैं सोचती थी मेरे जीवन में मैंने वैसा ही पाया। जब मैं छोटी थी पढ़ना चाहती थी और उस समय ट्यूशन वगैरह कुछ नहीं होते थे, और यहाँ तक कि मैं जिस घर से बिलोंग करती हूँ वहाँ तो लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना ही नहीं चाहते थे। ये मेरे अच्छे कर्म थे कि मेरे माता पिता पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने 10वीं तक तो पढ़ा दिया। और 11वीं में जो है जब मैं कॉलेज वाली उसमें आई तो उन्होंने कहा हम कॉलेज नहीं भेजेंगे, और उन्होंने लड़के देखने शुरू कर दिए। और मेरी इच्छा ये थी कि मैं वहाँ तक पढ़ूँ जहाँ तक पढ़ाई ख़त्म होती है, क्योंकि मुझे डिग्रियों का पता ही नहीं था कि BA भी डिग्री होती है, MA भी डिग्री होती है, डिग्रियों का ही नहीं पता था। तो मैं उस समय राम नाम को मानती थी, तो मैं राम के आगे हाथ जोड़ती थी कि हे परमात्मा तूने ही मुझे पढ़ाना है, ये घरवाले तो मुझे पढ़ने नहीं देंगे।
तो मैं आज देती थी, मैंने कहा तुम ढूंढते रहो ढूंढते रहो, तुम्हें कोई मिलेगा ही नहीं लड़का। और ये देखो मेरे विचार का परिणाम यही हुआ कि जैसा मैं सोचती थी वैसा ही हुआ। और जब मैंने ये देखा कि मेरे पिताजी थक गए हैं, मेरे पिताजी से मैं बहुत ज़्यादा अटैच थी क्योंकि उन्होंने हमें वो सुविधाएं दी, लड़की लड़के में कोई फ़र्क नहीं रखा, हर तरह की सुविधाएं प्रदान की। तो जब मैंने ये देखा कि मेरे पिताजी वाकई थक चुके हैं, तो मैंने उस परमात्मा से प्रार्थना की, हे परमात्मा तू बड़ा दयालु है, तू ऐसा करके कोई ऐसा लड़का ला दे कि जो ऐसा हो कि मुझे एक बार इस घर से ले जाए बुद्धू सा और उसके बाद वो छोड़ दे मुझे। अब विचार की बता रही हूँ फिलोसफी कि विचार में कितनी ताकत है। और मैंने जो विचार किया वही मेरे साथ घटित हुआ कि शादी हुई ना हुई बराबर। तो ये किसने किया? मेरे विचार ने। और उसके बाद मैं पढ़ती रही, पीएचडी की पढ़ाई मैंने रेगुलर बेस पे की क्योंकि मैं चाहती थी कि वहाँ तक पढ़ूँ जहाँ तक पढ़ाई ख़त्म हो। तो पीएचडी आखिरी डिग्री थी उस समय और वो मैंने कुरुक्षेत्र से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। तो ये आदमी के विचार की ताकत है, इस बात का हमें ज्ञान नहीं है। अगर आदमी को विचार का पता लग जाए तो वो सचेत हो जाएगा कि मैं जो सोचूंगा वही मेरे साथ घटित होगा। तो इसलिए सजनों, अगर जिस लोक में हम रह रहे हैं इस लोक को बनाने के लिए विचार की अत्यंत आवश्यकता है। मैंने जैसा सोचा आज दिन तक, नौकरी की इच्छा की, पढ़ाई की इच्छा की, नौकरी लगी, कोई सिफारिश नहीं, कोई पैसा नहीं, पैसा तो था ही नहीं पिताजी के पास, गरीब थे हम, पांच बहनें थी, उन्होंने पढ़ा दिया, उसी के लिए हम उनके आज तक शुक्रगुजार हैं। और उनका मैंने उनको एक मैंने वायदा किया था कि आप मुझे पढ़ाने के लिए संकोच ना करें, मैं आपके नाम को कभी बदनाम नहीं करूँगी, उनको मैंने वायदा किया था। और इस वायदे के ऊपर मैं पक्की रही, नौकरी लगी और नौकरी के पश्चात उसमें मुझे सहारा मिलता रहा क्योंकि मैं ईश्वर की इच्छुक तो शुरू से ही थी, गुरु की। जब मुझे समझ आई फिर मुझे गुरु की तलाश शुरू हुई। अब गुरु की तलाश में मैं कितने गुरुओं के संपर्क में आई, लेकिन क्या देखा कि जो गुरु बोलते हैं वैसा रहते नहीं हैं। अब भाषण तो मैं भी दे रही हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरी रहनी क्या है, आप लोग क्या देख सकते हैं। गुरुओं का जो इनर रिंग है उससे लोग वाकिफ नहीं होते, इसीलिए उनके पास इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है क्योंकि वो बोलते अच्छा हैं और वो सोचते हैं कि गुरुजी बहुत पहुँचे हुए हैं। और गुरुजी के जब पास रहने लग जाओ आप, उनके नज़दीक रहने का मौका मिल जाए कि वो सारा दिन क्या करते हैं, कैसे उनके विचार हैं, तो आप दो दिन भी नहीं रह सकेंगे क्योंकि जब उनके वीक पॉइंट सामने आ जाते हैं तो विश्वास ख़त्म होते देर नहीं लगती। और मेरे साथ ऐसा घटित हुआ क्योंकि मैं खोजी थी, मैंने पीएचडी की तो मुझे पता लगा कि खोज कैसे करते हैं, सच्चाई कैसे जान सकते हैं। तो मैं जिस गुरु के संपर्क में जाती थी उसके नज़दीक रहना चाहती थी, उसको कोशिश करके किसी भी तरीके से नज़दीक जगह बना लेती थी। और नज़दीक जा कर के मुझे पता लगता था ओहो यहाँ तो मामला कुछ और ही है, मैंने जैसा समझा ये वैसा तो निकला ही नहीं। तो सजनों इस तरह से करते करते, क्योंकि मेरे माता पिताजी वो भी जो है धार्मिक प्रवृत्ति के थे, पहले तो नहीं थे लेकिन बाद में मेरे पिताजी जब आर्मी से रिटायर हुए तो उनके बहुत दानी प्रवृत्ति के थे, बहुत ही सज्जन और ऐसी आत्मा थी कि दूसरे के परोपकार के लिए वो अपना तन का कपड़ा भी उतार करके देते थे, परिवार के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, ऐसी उनकी प्रवृत्ति थी। और माँ हमने जो है दादा को तो देखा नहीं, दादी थी हमारी, तो मैंने ये देखा कि मेरे पिताजी ने जो मेरी दादी की क्या सेवा की उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, वो अपनी माँ के लिए जान तक कुर्बान करने को तैयार थे, तो ऐसे भाव उनके थे। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब उन्होंने नाम लिया, नाम कहाँ से लिया, हरियाणा में महाराज ताराचंद जी हुए हैं दिनोद गांव में, भिवानी के पास एक गांव है दिनोद, ब्रह्मचारी थे वो गुरु और बहुत पहुँचे हुए थे, उनके मैंने बहुत सत्संग सुने और मेरी इच्छा भी थी कि मैं उनसे नाम लूँ, लेकिन मैं उनके संपर्क में नहीं जा सकी क्योंकि उनके गुरु का हुक्म था कि वो अकेली स्त्री से बात नहीं करते थे और मेरे मन में सैकड़ों प्रश्न थे जिससे मैं पूछ सकूं, तो वहाँ पर ऐसा संभव नहीं हो सका। तो मेरा मन नहीं माना कि मैं इनको गुरु धारण क्यों, और फिर भी मेरे पिताजी मुझे लेकर भी गए। अब देखो ये गुरु वो कितने पहुँचे हुए थे कि वो मेरे मन की बात जान गए, मेरे पिताजी जो है मेरे को लेके गए कि मैं तेरे को गुरु से नाम दिलवाऊँगा। और उस समय उनके पास संगत भी ज़्यादा नहीं थी, सुबह सुबह का समय था, दिनोद गए तो उन्होंने कहा कि आपकी बड़ी लड़की है, बड़े गौर से देखा
और 5 मिनट आंख बंद करके कहने लगे कि इसको नाम नहीं मिलेगा। शायद उनको ये पता था कि इसका यहाँ काम बनेगा नहीं, तो उन्होंने कहा इसका समय आएगा, ये लड़की बहुत आपकी भाग्यशाली है, ये आपका नाम रोशन करेगी। इस तरीके से उन्होंने कुछ बात की और उन्होंने मुझे दीक्षा नहीं दी। तो महाराज ताराचंद जी जाते थे होशियारपुर, जो महाराज जी के गुरु थे फकीर चंद जी। मेरे पिताजी एक बार वहाँ गए, उनसे वहाँ से एक पत्रिका आई, मानव मंदिर पत्रिका, उनको पढ़ करके मैं होशियारपुर गई। होशियारपुर में उसमें मानव दयाल महाराज जी थे, फकीर चंद जी महाराज जी की पत्रिका पढ़ करके गई तो वहाँ पर मिले नहीं। और जब वहाँ पर जो मानव दयाल थे उनके मैं बहुत संपर्क में रही, लेकिन वो चीज़ नहीं मिली। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ गुरु के विषय में हम भ्रम में पड़ जाते हैं कि वास्तव में गुरु कौन है। तो सजनों, वास्तव में गुरु वो है जहाँ आपका मन ठुक जाए कि यहाँ मेरा काम बन सकता है। आप सुनते रहो, देखते रहो, जाते रहो और आपको यकीन हो जाए, जहाँ आपका मन मान ले कि हाँ यहाँ मेरा काम हो सकता है, तो फिर आप उसको गुरु ही नहीं, आप उसको ये मानो कि साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। क्योंकि मुझे मानने में समय लगा, क्योंकि मेरा कई जगह विश्वास टूट चुका था। तो जब मैं होशियारपुर में ही, महाराज जी उस समय आचार्य के पद पे थे, क्योंकि वहाँ उस गद्दी पर ऐसा है कि वो एक ही गुरु काम नहीं करता, वहाँ कई आचार्य बना रखे हैं। गुरु एक होता है लेकिन वो अलग अलग स्टेट के कई आचार्य बनाए हुए हैं। तो महाराज जी जैसे राजस्थान के थे तो इनको राजस्थान का बनाया हुआ था, कोई भट्ट साहब आते थे उज्जैन से उनको वहाँ का बनाया हुआ था। तो मैंने सब आचार्यों को सुना, देखा, और जब इनको पहली बार सुना तो मैं इनके संपर्क में आई। और इनके संपर्क में आने पर भी पहली बात तो ये है, संपर्क में आते ही एक चीज़ तो नहीं लगी। वो क्या नहीं लगी कि जब मैंने इनको देखा कि सत्संग देने जाते हैं तो ये रेल से और बस से, और इनके साथ दो बड़ी बुजुर्ग सी लेडी थी, भारी भारी। तो ये पहली बार मुझे इनके साथ जाने का मौका मिला, तो बस से उतरते, उनको चाय पिलाते, उनको चढ़ाते, उनको उतारते। मैंने कहा भी ऐसे गुरु तो आज ज़िंदगी में देखे ही पहली बार है। गुरुओं को इससे पहले मैंने बड़े राजसी ठाट बाट से देखा था। मैं तो सोचती थी कि आज के ज़माने में अगर गुरु बन जाए तो समझो वो राजा ही है। राजा और गुरु में आजकल कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि गुरु जो है राजसी ठाट बाट से रहते हैं। तो ये गुरु तो पहली बार देखे हैं कि जो कितनी तकलीफ से जाते हैं, साथ में दो बुजुर्ग लेडी को लेके जाते हैं, फिर जो कितने लोग उनको सेवा देने वाले, एक पैसा नहीं लेते थे। तीसरी बात ये कहते थे कि मैं उस धार के साथ जुड़ा रहता हूँ। तो इनको मैं 3 साल तक सुनती रही, देखती रही, इनकी रहनी देखी, और ऐसी सादी रहनी कि आज के युग में भी ऐसे संत हैं जो अपनी कमाई का खाते हैं और किसी से कोई सेवा नहीं लेते। क्या आज के युग में कोई ऐसा गुरु है आपकी नज़र में जिसने आज तक कोई आश्रम ना बनाया हो, जिसने किसी को दीक्षा ना दी हो और फिर भी उसके इतने शिष्य हो? क्या है कोई आज के युग में? आप ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा, और वो भी तब जबकि करोड़पति इनके साथ लगे हुए हैं। एक सज्जन कहने लगा, जी मेरे पास यहाँ पर अग्रोवा के पास जगह है, आप यहाँ जगह बना लो, मैं आपको जगह देने को तैयार हूँ। एक सज्जन ऐसे थे, जी मैं पेंशन आ गया हूँ रिटायर, और मैं आपको कमरा बनवा देता हूँ, हमारे जैसे सज्जन आपसे आकर के मिल लेंगे, हम आपके दर्शन करने आए तो कहाँ आए, गांव में हम आपके आ नहीं सकते, और वैसे दर्शन करे तो बड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसे ऐसे कितने ही लोग इनके संपर्क में आए, तो इन्होंने कहा भी ये मेरे काम बस का नहीं है, मैं सत्संग करवा सकता हूँ, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अब तो ये बुजुर्ग हो गए हैं, 92 साल की उम्र कम नहीं होती है, 92 साल की उम्र के हो गए हैं। तो अब टैक्सी में भी जो कर सकता है तो टैक्सी का दे दो किराया, और ये दूसरा ये ज्ञान भी मैंने लिखवाया है। जब मुझे लगा कि आप बड़ी बुजुर्ग अवस्था में मिले हैं, मैंने कहा महाराज जी जो आप ज्ञान दे रहे हो वो ज्ञान तो आपके साथ ही चला जाएगा, तो क्यों नहीं इसको पुस्तक में लिख दिया जाए। तो उस पुस्तक में लिखने के लिए मैंने आग्रह किया, विनती की, तो ये पुस्तकें लिखवाई। और उसके पश्चात ये पुस्तकें जो है बांटने के लिए, क्योंकि पुस्तकों को पढ़ करके गुरुओं को ईर्ष्या हो जाती है कि इतनी सच्चाई बताई हुई है कि वो परमात्मा आपके अंदर ही है, उस तुम परमात्मा को कैसे पा सकते हो, बड़ा सहज और सरल ज्ञान है। उन पुस्तकों को ये वितरित करते हैं, जो सत्संग कराता है उस सज्जन से दान करवाते हैं, और आप लोगों को मुफ्त में वो किताब, वो शास्त्रों का निचोड़ जिसमें हीरे जवाहरात भरे हुए हैं, हर क्षेत्र का उसमें ज्ञान जो है उसका खजाना भरा हुआ है, वो आपको ये वितरित करते हैं, ताकि आप लोगों की आंखें खुल जाएं कि आप अन्य ऐसे ठग गुरुओं के चंगुल में ना आएं और आप सच्चाई को जान सके, ऐसा इनका ज्ञान है।
तो अधिक समय न लेते हुए आप खुद ही इनकी अमृतमय वाणी को सुने और समझें कि क्या कह रहे हैं और क्या सच्चाई बता रहे हैं और किस तरह से आपका कल्याण हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को प्रणाम। प्यारी संगत, आपने डॉक्टर कमला जी को सुन लिया। अभी हम सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग तो दे दिया, इसने बता दिया बातचीत जो थी वो, फिर मैं थोड़ा विस्तार से बता देता हूँ ये बात आपको। इस लोक के अंदर जिसमें हम जी रहे हैं, इसमें दो चीज़ हैं। एक तो है मान्यता। क्या मान लेता है? कोई राम को मानता है तो राम काम कर देता है, उसका उसने मंदिर बना दिया, उसका ये कर दिया, वो कर दिया। कोई कृष्ण को मानता है, कोई देवी को मानता है, कोई बालाजी को मानता है, कोई किसी जीवते गुरु को मानता है। यह तो है मान्यता। हर कहते मान ले तो देव नहीं बीत का ले, वो मानता है वो ठीक है, गलत नहीं। जो राम का मानता है उसका भी काम होता है, कृष्ण को मानता है उसका भी होता है, मोहम्मद को मानता है उसका होता है, ईसा मसीह को मानता है उसका भी होता है। यह तो है मान्यता। और एक है यूनिवर्सल ट्रूथ, विश्वव्यापी सत्य के सच्चाई क्या है। एक मान्यता तो होगी नहीं, जिसने माना तो देव। आप राम को मानते हो तो राम आपके सामने भी आ जाएगा, आपको मदद भी कर देगा। किसी को मानते हो बालाजी साथ रहेगा, किसी गुरु को मानते हो तो वो साथ रहेगा, मदद करेगा। वो आपकी मान्यता है, वो विश्वव्यापी सत्य नहीं है। वो तो देखो ना, एक मुसलमान है वो मोहम्मद साहब को मानता है तो उसके मोहम्मद साहब मदद करते हैं, हजरत अली को मानता है वो करते हैं, तो वो उसकी मान्यता है, वो सताई विश्वव्यापी सत्य नहीं। और एक है जो राम को मानता है, यह तो मान्यता, मतलब जिसको आप मानते हो वो आपकी मान्यता है, वो सही है, कोई चैलेंज नहीं करना उसको, और जो कर रहा है वो ठीक है सब, वो गलत नहीं है। क्योंकि बात तो क्या है, वो बात रहस्यमय। रहस्य क्या है उस बात का? रहस्य ये है कि जो मेरी समझ में आया, वो जो कबीर साहब का शब्द सुनाया कि परमात्मा तो आदमी के अंदर है, सत्य तो ये आदमी है, ये मनुष्य। अगर यहाँ किसी ने परमात्मा देखना है तो मनुष्य को देख लो। ये गाड़ियाँ चल रही हैं, ये चल रही हैं, बिल्डिंगा खड़ी करा की, किसने की? क्या राम आया था इधर? क्या मोहम्मद साहब आता है? क्या हजरत अली आता है? ना, ये भ्रम है। पर वो जो मानता है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्यों? वो मानता तो देव, उसका काम हो जाता है। अब इस यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, इसके पीछे सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि वो परमात्मा जिसको मानते हैं वो आपके अंदर है। कबीर साहब कहते हैं, सो तेरे घट अंदर विराजे परम पुरुष अविनाशी। कहता है भाई, जो तू चाहता है जाको ध्यान धरत नित्य हरिहर, ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका ध्यान धरते हैं, मुनिजन स्वयं 88, सो तेरे घट अंदर विराजे परम पुरुष अविनाशी। भैया, वो तो तेरे अंदर है जिसको मानते हैं सब, तो वास्तव में कहाँ है वो परमात्मा? आपके अंदर, आप ईश्वरंश हैं। जो मेरी समझ आई है वो ये है कि भाई आदमी के अंदर परमात्मा है और उसको समझ नहीं है। अज्ञान का दुख, उसको दुख नाम की चीज़ क्या, परमात्मा को दुख थोड़ा होता है? इसके हाथ हैं, पैर हैं, बुद्धि है, सब कुछ है, कमा सकता है, सब कुछ कर सकता है, पर अज्ञान से दुखी है। मनुष्य को ज्ञान नहीं कि मेरे अंदर परमात्मा है, भरोसा नहीं अपने आप पर, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, कहीं बुखार नहीं से मर न जाऊँ, कहीं पल चोट नहीं लग जाए, मतलब भय से गिरा हुआ है अज्ञान से। अरे, वो आया इधर खेलने के लिए, उसको ये निश्चय होगा कि जितने दिन उसने खिलाना है तो मेरे को कौन मार सकता है। अगर आपने ये निश्चय हो जाए कि मेरे अंदर ही परमात्मा है तो आपके साथ है वो, समझना मैं क्या कह रहा हूँ। तो विश्वव्यापी सत्य क्या, यूनिवर्सल ट्रुथ, वो परमात्मा जिसको लोग मानते हैं, अज्ञान से मानते हैं, वो परमात्मा हर आदमी के अंदर है। कैसे? कि जिस तरफ भी आदमी बजा ध्यान करता कमार कर देता है। ये आदमी चाहते देखो आईजादे बढ़ा दी, ये बना दिया, बना दिया रेडियो टेलीविज़न, बना दिया ये, बना दिया वो, बना दिया सब कुछ। ये आदमी में शक्ति है। जब महाभारत को आप सुनते हो तो धर्मराज युद्ध से कहते हैं, उधर से ना पता नहीं वो अंधे से कह रहा था उनका करूँ, धृतराष्ट्र जो है वो कहते, संजय मेरे पुत्र पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं बता। तो संजय कहता, राजन दोनों तरफ से सेना तनी खड़ी है और ऐसा ऐसा है, वो फलाना योद्धा है, वो ऐसा 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 हो रहा है। तो उसके पास कुछ मोबाइल तो नहीं था, ये ध्यान करा, यहाँ पर एकाग्रता की, त्रिकुटिया यहाँ करते सब सामने आ गया उसके, कि युद्ध के लड़ने खड़ी वो बताता राजा को। तो ज्ञान वो बताता, संजय के पास कोई चीज़ तो नहीं बताई ही, न वहाँ गया था, न कोई अखबार था, वो आपके अंदर है। वो ज्ञान चला गया बहुत दिन से, ज्ञान लुप्त होता जा रहा है, पता नहीं होता जा रहा है। तो वो शक्ति आप में है,
देख लो जितना काम यहाँ पर दिल्ली में हो रहा सब आदमी ने बढ़ाया, तो क्या मानोगे परमात्मा? ये बात यहाँ नहीं, यहाँ पर भी नहीं, सब जगह पर, पूरी दुनिया में, चीन में, जापान में, यूके में, अफ्रीका में, अमेरिका में, सब जगह जो मनुष्य है सबके सब अज्ञान से दुखी हैं। इन राष्ट्रपति भी अज्ञान से दुखी है और चपरासी भी, एक करोड़पति सेठ भी दुखी है और एक गरीब भी, एक बड़ा विद्वान प्रकांड पंडित जो सब शास्त्र जानता है, ये लिखा उसमें, ये लिखा रही है दुनिया भर का ज्ञान, जैसे डॉक्टर कमला जी हैं संस्कृत की प्रोफेसर हैं, तो इनके संस्कृत यूनिवर्सिटी में क्या चीज़ है, सूखा ज्ञान। अभी मैं उन यूनिवर्सिटियाँ सत्संग देता हूँ, मैं यूनिवर्सिटियाँ में जाता हूँ सत्संग देता हूँ, हिमाचल में जाता हूँ, इधर कुरुक्षेत्र में जाता हूँ, बड़े बड़े विद्वान हैं जो शास्त्र की बात मिलाते, उसमें ये लिखा था, इसके साथ ये था, ये मानो इसको साबुत मानते, ये थोथी बात। अरे तुम्हारी रेणी किसकी है, मैं जाता हूँ, तुम्हारी रेणी है कुछ, कोई दोनों के करते हो ऐसे थूक उछालते हो लोगों को, तुमने क्या किया, क्या अनुभव बताओ ना, तो आदमी का अपना अनुभव है ये, अगर आप अनुभव करेंगे तो आप इसको कर लेंगे। क्या है, आपके अंदर सब कुछ है और शक्ति आपके अंदर है, आप इस सुरंश सच्चाई तो है ये, और बाकी जो मान्यता है वो ठीक है, जो मानता उसके लिए ठीक है, उसके लिए आप चैलेंज नहीं कर सकते कि वो हिंदू ठीक नहीं है, वो मुसलमान ठीक नहीं है, या वो बाला जी का भक्त, ना ना ये गलत कमजोरी आपकी, क्योंकि वो उसे मानता है, ईश्वर तो खुद है, शक्ति तो उस आदमी के अंदर है और वो मानता है, तो सच्चाई तो है आपके अंदर परमात्मा, और उसकी तलाश में आप तस्करी पाते हैं, उसकी नए ज्ञान होने की वजह से दुखी हैं। आई ना मेरी बात समझ, एक तो मान्यता हुई ना, ये भी ठीक है, किसके लिए तो मानता वो, जिस आदमी ने माना है उसके लिए वो ठीक है, विश्वव्यापी सत्य नहीं है वो, तो विश्वव्यापी सत्य क्या है कि मनुष्य के अंदर वो परमात्मा है और मनुष्य का इसका ज्ञान नहीं, एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये जो लोक है जिसमें हम जी रहे हैं ये कर्जे का लोक है, इसका अलग सत्संग है। कर्जे का मतलब क्या, कि जो भी हमारे साथी राखी मिले हुए हैं सब के सब, वो सब ठीक, कोई भाई बन के आया, कोई बेटा बन के आया, कोई दामाद बन के आया, कोई दोस्त बन के आया, कोई कुछ, कोई दुख देना है, कोई सुख देना है, ये लेने देने के चक्कर है। इस लोक में जो हमारा आना है वो लेने देने का है, उसका अलग सत्संग है, तो मैं ज़्यादा इस पर जोर नहीं दूंगा, कभी बाद में बात होगी तो मैं करूँगा। अब मैं अगली बात करता हूँ छोटी सी, क्योंकि आपके पास इतनी टाइम नहीं, कुछ तो लेट हैं, कुछ बातें घरों से बिजी हैं, जो आप आगे धन है ये भी, आज निकलना मुश्किल है, आज संडे है, कोई काम करना चाहेंगे सब कुछ, आज का आदमी बिजी है, ये तो आप थोड़े से दिल्ली के, मेरा सत्संग सब सुन लें, दिल्ली वाले सारे राष्ट्रपति तक सब के लिए लाभ की चीज़ है, सब दुखी है, कोई न कोई पॉइंट से सब दुखी, दुख क्या ज्ञान का है उनको, क्या कह रहा हूँ मैं, क्यों कह रहा हूँ मैं, राष्ट्रपति पास रहे हूँ, दो साल राजेंद्र प्रसाद के पास रहे हूँ, डेढ़ साल फिर रहे हूँ, बड़े बड़े आदमियों की संगत है मेरी, अब जो आप लोग अच्छे आदमियों में से हैं मेरे सब के सब, मेरे पास डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, वो बड़े सब आदमी हैं, सबसे बात है मेरी, यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, साबूत क्या है मेरे पास, में ये बुक ले आया हूँ मैं, वो साथ साथ ये जाऊँगा तो इतनी बात ख़त्म नहीं करूँगा, जाते वो बुक जाऊँगा और वो इनसे दिलाइए, ये डॉक्टर साहब देंगे, इनको कहा अभी मैं सत्संग तो करा दूँगा लेकिन आपको कम से कम वो हैं उसमें 7-8 हज़ार की पुस्तक हैं, 10-15 हज़ार रुपये की पुस्तक हैं, जो पुस्तक दोगे उनको ज्ञान दोगे ताकि दूसरों को ज्ञान, ताकि आपका ज्ञान हो, आप ज्ञान दोगे तो आपको मिलेगा, गिव एंड टेक का सिद्धांत है, मेरा तो आंगड़ा है, मैं तो आकर ये ज्ञान दिलाता हूँ, तो बुक जो देंगे वो ये देंगे, अभी कंडीशन है मेरी, को बुलाओगे तो बुला लो भैया, पैसे मुझे खाने के लिए नहीं चाहिए, मेरे खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है, काफ़ी है, पेंशन मिलती है, बहुत अच्छी नौकरी करी, दूसरा युद्ध बनाया हूँ मैं 39-45 के युद्ध में, 52 साल उम्र है मेरी भी, और गांव का आदमी हूँ, मेरी ज़रूरत बहुत कम है, थोड़ी ज़रूरतें हैं और ज़्यादा मिलता है ज़रूरत से, कोई तकलीफ नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहता कि अज्ञान क्या है जिसकी वजह से दुखी है, एक ही पॉइंट लूँगा मैं, एक बात तो समझे, और वो अज्ञान हमरे को नहीं सबको, सब अज्ञान से दुखी हैं, और वो सब अज्ञान से, कि अगर आज वो सभी राजे बात सुन ली मेरी तो सब के लिए लागू है, कूड़े बैठे हैं सब के सब, परेशान हैं, भागने कहीं जगह नहीं, आदमी गिरा क्यों, बंधन उतर गए ना, पति का बंधन, पत्नी का बंधन, घर का बंधन, जाति का बंधन, बिरादरी का बंधन, दुकान का, मकान का, हट का, वाले का बंधन बहुत है, ये फंस गया, बंधन कोई इसको था नहीं पर यह फंस गया, इसको कहा रामायण की चौपाई में एक जगह गोस्वामी तुलसीदास दिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि, सो माया बस बंध्यो गुसाई, आप ही बंध्यो मरकट की नाई, इसका भाव यह है, वो कहते हैं ईश्वर अंश है, चेतन है, विमल है, सहज है और सुख राशि है, तकलीफ क्या होगी, एग्जाम्पल कोट करें, उदाहरण देते हैं कि माया बस, माया जो है नहीं भासती है, जो सत्य नहीं है, आज हर कल नहीं होगी, वो माया है,
तो आपको भी माया का क्या रूप है? अब आप जो आँख बाहर खुली देख सब माया, आपका शरीर मेरा शरीर कोई काम नहीं रहेगा, चला जाएगा। रहने वाली चीज़ है एक है तो बोल रही है अंदर, या नहीं होती नाश, या चक्कर काटती है और या थक जाएगी तब आपने रूप में चली जाएगी वापस। खेल खेल रही है इधर, खेलते खेलते थक जाएगी, कई जन्म के बाद तो वापस जाएगी। तो यहाँ पर सब माया के वैसे, फिर कैसे कैसे बन गया? मरकट कहते बंदर को, तो क्या बंदर की नहीं, बंदर कैसे बन गया? बंदर ने देखा कि ओहो घड़ा है इसके अंदर तो लड्डू पड़े हुए हैं, तो आकर के आहिस्ते से अपना हाथ डाल के मुट्ठी भर ली तकड़ी। अब मुट्ठी भरी तो हाथ फैल गया, घड़े का तो इतना सुराग था अंदर, हाथ तो चला गया, और मुट्ठी भरी तो हाथ थोड़ा हो गया ना, तो निकलता नहीं है। अब उसको ज्ञान नहीं है कि मैं खोल दूँ तो हाथ निकलाए, इस अज्ञान से वो बंधा हुआ है। इसी तरह से मनुष्य बंधा हुआ है, कोई इसको बंधने वाला नहीं है, अपने आप अज्ञान से बंधा है, दुखी हुआ फिर है। अब दुख किस बात का है? ये है कि इसके दो तरह के विचार चलते हैं, विचारों का लोक है। जैसे डॉक्टर कमला जी ने बताया विचार फिलोसफी के बारे में कि जैसे मैंने सोचा वैसे हो गया, जैसे मैंने सोचा वैसे हो गया। अब इसका होश आ गया ना कि इसने समझ लिया विचार फिलोसफी कि विचारों का खेल है। तो हम जब सोचते हैं, जब थोड़ा गुस्सा आ जाता हमको तो हम बुरा सोचते हैं, इविल थिंकिंग होती है। क्या बुराई होती है? ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा का जो विचार है वो सबका सब नेगेटिव है, घटिया है। और उसको सोचोगे तो उसको जो ब्रह्मांड में जा करके रेडियो वेव की तरह जाते हैं विचार, और ऊपर से जब वापस आते हैं किसी खास लाइन से टकरा करके, तो यहाँ पर जब आएंगे तो आपके मन के प्रतिकूल घटना घटेगी। कैसे? आप गृहस्थी आदमी हैं, जैसे पति पत्नी हैं, खूब खुश हैं, और किसी बात से नाराज़ हो गए, पति ने कुछ कह दिया पत्नी को, तो मन ही मन वह कूटती है कि मेरे भाई ऐसे थोड़ी से, तो मेरे भाई का नाम लिया इन्हें, ये लिया वह लिया, वो मन ही मन कूटेगी, मन मन कूटे वो विचार ऊपर चले जाएंगे। वो घंटा दो घंटा जितने नाराज जितने वो विचार भेजती रहेगी वहाँ पर, और फिर वो विचार जब आएंगे तो घर में आफत लेके आएंगे। या पति को कह दिया उसने कि आपकी माँ भी ऐसे करती थी, तो गुस्सा लगा मेरी माँ ऐसी थोड़ी थी, कदे कदे कितने राजी ने किसी दिन हो जाती है खंड पर, और उसने बुरा सोचते हैं। सास बहू को देखती हो रोज़ का मामला इधर, भाई भाई को रोज़ देखते हो आप लोग, क्या करें? भाई एक भाई से भाई रूसा रहता, कहता मैं दो साल से कौन बोलिया, तो नहीं बोलेगा तो क्या सोचेगा? क्या ये सोचेगा? सोचता इसके लड़के क्यों तरक्की करे, क्यों कर रहा? इविल थिंकिंग। वह इविल थिंकिंग जो है घटिया विचार ऊपर चले जाते हैं, और वो इधर आ करके आफत लेके आते हैं हर आदमी के साथ। कोई दुर्घटना हो जाएगी, मोटर टूट जाएगी, अभी मोटर ले थे आप टूट गई नहीं चाहते आप, दुखी होंगे, या किसी का हाथ टूट जाएगा, या कोई आदमी मर जाएगा नहीं चाहते, या आपके घर में चोरी हो जाएगी आप नहीं चाहेंगे दुखी होंगे, या कोई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा आप नहीं चाहेंगे, और कुछ नहीं होगा तो आपको कोई बीमारी लग जाएगी आप, जिसके बारे में कोई इलाज नहीं होगा, जिस डॉक्टर के पास जाओगे वो देख लेगा और आपको सब टेस्ट भी कर देगा, टेस्ट करके दिखा देगा नॉर्मल 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 बीमारी रहेगी वह, और पता नहीं चलता। अभी डॉक्टर मेरे पास उदाहरण ऐसे कि डॉक्टर हैं, तो कोई तकलीफ थी वो तकलीफ के दिखाया एक डॉक्टर को, दिखाया रोहतक में, दूसरे को दो तीन को दिखाया, उसने सबने नॉर्मल नॉर्मल लिख दिया। और फिर किसी डॉक्टर के पास वो गया कोई 15-10 साल के बाद में, फिर डॉक्टर ने देखा तो दूसरे ने देख के बोले ये वो तो पहले कराया था ये कभी, हाँ जी पहले कराया, जाओ वह एक्सरे गया तो सबके अंदर वहाँ बीमारी मिली, डॉक्टर मोतियाबिंद हो गया, कर्म रोग था। डॉक्टर देखे उसको नहीं डायग्नोसिस नहीं कर सके, मेरी बात समझे कि नहीं आप? तो कोई रोग हो जाएगा जो हम नहीं चाहते, कैसे होता है ये? अब मेरी बात सुन लो आप लोग, क्यों ठहरते नहीं हो आप? आपका दिमाग नहीं ठहर रहा, इसलिए कारण ये योग याग और क्या है, ये योग साधन जब तब क्यों कराते हैं? मन को ठहराने के लिए, ताकि किसी की बात को समझें। अगर आप मेरी बात समझ लो तो इससे ज़्यादा और लंबी ज़्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं होगी। तकलीफ इसकी है कि हमारा नाराज़गी की हालत में जो सोचना है वो घटिया होता है, चाहे सास बहू हो, चाहे माँ बेटा हो, चाहे बाप बेटा हो, चाहे भाई भाई हो, घर के अंदर नाराजगी रहती है, कड़ा होती है, और उस हालत में जो हमारे विचार हैं वो प्राकृतिक तरीके से चले जाते हैं। अब साइंस ने जाहिर कर दिया ना कि विचार निकलते हैं ऊपर चले जाते हैं, कुत्ते को बता दिया ना, एक कुत्ते को पढ़ा देते हैं कि चोर ने यहाँ चोरी करी, सूंघ लेता है कपड़ा जाके आप इसको पकड़ लेता है। इसी तरह अभी विज्ञान ने इस बात को साबित कर दिया, पर यह कहता संघ का दोष गुण है, संघ का ही बता देते थे कि जैसे संगत करोगे वैसे रंगत है, तो वो तकलीफ है सब घरों के। क्या जब हम नाराज़ होते हैं तो हमको होश नहीं कि क्या सोचते हैं, सुबह शाम तक विचार एक आया चला गया, एक चला गया चला गया, एक विचार ऐसा रुक गया आप, बोले हाँ कल उसने ऐसे ऐसे कहा था मुझे, नाराजगी का विचार आ गया, तो आप पूरा पूरा सोचोगे उसका, और जितनी देर सोचोगे वो ब्रह्मांड में जाता रहेगा, आएगा तो घर माफ़त रहेगा। घर घर के अंदर ये दुख है हर आदमी को कि जब वो नाराज़ होता है तो उसको होश नहीं है तो मैं क्या सोच रहा हूँ और इसका परिणाम क्या है, उसको परिणाम का पता चल जाएगा कि घर माफ़त आएगी
तो वो बचेगा, क्यों सोचता हूँ बुरा, नुकसान होगा, वो काट देगा ज्ञान से। वो बात जैसे मैं आपको कहा कि लड़ाई झगड़ा नहीं, नाराज़ नहीं करना चाहिए, भाई आप सत्संग में बैठे हो, घर में जाते हो, सास बहू की नाराज़ी रहती है, और यह मेरी बात याद आ गई कि ओहो सास तो ऐसे तो कहती है, लेकिन वो कह रहे थे इससे तो घर वापस आएगी, वो गुरु है। वो बात आपको याद आ जाएगी, वो इसका नाम गुरु है, गुरु नाम ज्ञान का है। तो वो ज्ञान अगर हो जाए तो ऐसे आदमी को कोई तकलीफ ही नहीं, ये तो ईश्वरंश है, सोचेंगे वही हो जाता है। ईश्वरंश से खेलने के लिए आए हैं, वो ईश्वर में शक्ति है, वो आप में ईश्वर क्या शक्ति है, वो पैदा करता है, पालन पोषण करता है और सहार कर देता है। ब्रह्मा विष्णु ये क्या है, ये इधर से यहाँ से विचार पैदा होता है आपका त्रिकुटी में, और विचार के साथ कहीं देर खेलते हो, पालन उसको रक्षा करते हो, पालन लेते हो, और फिर उसको काट देते, छोड़ देते हो, भूल जाते हो। ये शक्ति आप में भी है, आप भी पैदा करते हो, पालन पोषण करते हो और सहार कर देते हो। तो ईश्वरंश आप हैं, छोटे लेवल पर वो जो मान शक्ति है वो ज़्यादा बड़ी है। आपके अंदर इतनी शक्ति है कि जो चाहे वो हो सकता है मनुष्य को, अगर ये ज्ञान हो जाए तो। तरीका क्या है इसका, आपको ये पता चल जाए कि घटिया विचारों का फल जो है तकलीफ है, तो घटिया विचार आते काट दोगे फल। जैसे आग पड़ी हो तो आप आग में पैर नहीं दोगे, आपको पता आग है यहाँ पर, ज्ञान है ना इसका कि जलेगा पैर, तो सोच बुझ जाओगे। अगर आपको इस बात का मनुष्य को पता हो जाए कि मैं जो गुस्से में सोचता हूँ उसका परिणाम बहुत घटिया निकलेगा, दुख जील को दुख तोड़ने मन के प्रतिकूल घटना घटेगी, तो वो बन जाएगा आगे ना। तकलीफ है अज्ञान, क्या है क्या सोच रहे हैं उसको किसी को पता नहीं, किसी को भी न, करोड़पति सेठ को है, न किसी बड़े आदमी को है, न किसी राजा महाराजा को है, न किसी गरीब को है। और यह ज्ञान अगर हो जाए, आदमी को समझ आ जाए, तो वो तकलीफ नहीं लेगी उसको। क्यों, कि वो घटिया सोचेगा नहीं, तो क्या करेगा अपने मन को साफ करेगा। मन को साफ कर लो, क्या मतलब, किसी के प्रति ईर्षा द्वेष नफरत मत रखो, किसी के प्रति जो करेगा सो मरेगा। आप सोचो जो जहर खाएगा वो मरेगा। अगर आप सास बहू हैं, सास अगर सोचती है बुरा तो बहू सोचती है मैं क्यों सोचूं, कोई बात नहीं, इनका संस्कार है, पहले तो समझ जाएगी वो, तो मेरे जैसे अगर सत्संग सुना देगी एक दो तो बुला करके सत्संग करा देता हूँ, ठीक है। आप अगर चाहो तो सत्संग पैसे पासे हैं किसी के पास, शुभ कर्म करना चाहते हो ज्ञान दिवा देना, ज्ञान मिल जाएगा आपको, इसी से हमें पता लग जाएगा ज्ञान क्या है, ये बोल क्या रहा है, कहाँ से आया कहाँ जाएगा, हम हैं क्या, यहाँ तो रहना नहीं किसी ने, कोई 20 साल, कोई 30 साल, कोई 50 साल, कोई 70, कोई 80, 100, सब ने जाना तो है ना, पर सबका जाना दिखता, अपना तो जाना दिखता नहीं किसी को, और को तो जाते देखते लगते रोजाना, लेकिन अपना नहीं दिखता, मैं भी चले जाऊँगा कल। तो भाई भाई से नाराजगी नहीं करेगा, बाप बेटे से नहीं करेगा, सास बहू से नहीं करेगा, प्रेम से दिली है, जिस घर में प्रेम है खुशी है उसमें कोई कमी नहीं किसी चीज़ की। क्या मतलब है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, रामायण की चौपाई बोल रहा हूँ मैं आपको, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जिस घर में संपत्ति है उसमें तरह तरह की संपत्ति है, धनी धन है, गाड़ी घोड़ा हथियार मकान दुकान सब कुछ, और जहाँ कुमति जहाँ रूप सामनी है, मनमोटाव है, नाराजगी है, वहाँ विपत्ति नादाना, उस घर में भी परेशानी परेशानी, ये परेशानियाँ। अगर आपको परेशानी से आती, क्योंकि आप मेरे जैसे, हम आप एक जैसे हैं, मैं साधु वाली बात नहीं कर रहा हूँ, महात्मा वाली, मैं गृहस्थी हूँ और आप भी गृहस्थी हैं, मैं गृहस्थी वाली बात कर रहा हूँ, साधु तो जानते नहीं आजकल, साधु तो नाम हो गया, साधु तो पहले कोई आता था तो राजा भी हाथी के उदय से उतर के और दंडौत करता था उसको, साधु पर समझा जाता कि साधु संचय होते सच्चाई है इनके शरण में। और अब जो साधु काम कर रहे हैं वैसा कोई करता नहीं, गृहस्थी भी नहीं करता, अब आप रोज टेलीविज़न पर आपको देखते हो, ये बस की बात नहीं है, उनकी मजबूरी है, उनके बस की बात नहीं है, हम तो कभी उंगली करते हैं उसको, ये खराबी वो नहीं है, उसका कोई शुभ कर्म था, आया साधु का काम करने के लिए, काम दूसरा कर ला गया, साधु तो फकड़ होता है, उसके पास पैसे ही क्या जरूरत है उसको, पहले अब तो जरूरत है, अब तो समझते हैं कि भाई आज जमाना ज़्यादा है, कोई मांगिया नहीं गालता, पहले तो निकल जाते थे, हाँ तो कहता मन लागो यार फकीरी में, वो तो कहते मस्त है, कहते मेरो मन फकीरी में लागो, और वो कहते जा जो सुख पायो राम भजन में, सो नहीं पायो अमीरी में, और फिर वो आगे कहते हैं कि हाथ में कुंडी और बगल में सोटा और चारों दशा जागीरी में, चारों दशा इतर उत्तर दक्षिण, चारों तरफ जिन्हें जाऊँगा वो मांग के खा लूँगा, सब जगह जागीरी है मेरी, जागीर है मेरी, जाऊँगा, वो होते हैं साधु। और यह साधु लोग जो इकट्ठे करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, हथियार इकट्ठा करते हैं, तो वो साधु का वेश में, इनके अज्ञान की, इनको ज्ञान नहीं है, ज्ञान से दुख है इनको। इन जिन भाइयों को देखते हो ना आप टेलीविज़न पर, कमी मत देखो, ये समझो परमात्मा सदमति दे इनको, क्योंकि अज्ञान का दुख है। अगर इनको ज्ञान होकर कर क्या रहे हैं तो उन्हें है, अगर सोचते हो और आपको ये पता है मैं सोच क्या रहे हूँ, फल क्या होगा इसका,
तो आज से अगर ये बात समझ में आ जाए तो गोस्वामी तुलसीदास की तरह आपको व्रत कर लोगे तकड़ा। गोस्वामी तुलसीदास लिखते लिखते याद आ गई कि मैं बोलता भी कर रहा हूँ कभी और मेरी बात भी गलती है, तो वो कहता अब हम कहब कछु ठकर सुहाती नहीं तो मौन रह दिन राती। बोले अब बात बोलूँगा तो सबको प्यारी लगेगी नहीं तो रात दिन चुप। तो अगर आपको बात आ जाए तो आप व्रत कर लोगे। आज से अगर मैं सास मुझे चाहे 100 गाली दे 100 बात कहता ना दे मैं नहीं नाराज़ होंगी। और बहू जो कुछ गलत काम करती है तो बोलो कोई बात नहीं घर में आ गई कोई बात नहीं आ गई जैसे ठीक है बेटा बेटा काम कर लो। जब आपको पता उसको बस की बात ही नहीं तो माफ़ कर दो। उसका मतलब कि वो सब नशे में, पुराना एक गीत है यारो मुझको माफ़ कर दो मैं नशे में, तो यार दुनिया नशे में है, दूसरे को माफ़ कर दो। अगर पड़ोसी आपके साथ नालायक कोई गलत काम करता है तो यह चाहो कि परमात्मा इसको सदमति दे अच्छे कर दे, ये नाश नहीं हो बर्बाद क्यों हो, ये ईश्वरन से बस की बात नहीं मजबूर है। तो हर आदमी मजबूर है काम के अज्ञान के लिए दुखिया लोग, क्या छोटे सी ज्ञान की बात है। मैंने एक बात आपको सत्य हूँ कि हर आदमी पति पत्नी अगर आप कभी नाराज़ नहीं होते हैं तो समझ लो कि आपके घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। सास बहू राजी रहते हैं, भाई भाई राजी रहते हैं तो वो घर सुरख है। उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास कहता जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, स्वर्ग है उस घर में, स्वर्ग का नाम यहीं पर है, सुख नरक का नाम दुख का है। तो स्वर्ग से जब आप खुशी उमंग है, खुशी है, मन राजी है, बात करने को जी करता है, किसी की मदद करने को जी करता है, तो वो समझ लो कि आप स्वर्ग में। और जब आप चिंता में हैं, दुख में, परेशानी में खेलते हो विचारों से, उसने अच्छा किया तो मैं ऐसा ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, वह विचार आपका रेडिएट होकर ब्रह्मांड में जाते हैं, वो आफत लेके आते हैं हर घर में। अगर यह मेरी बात इतने आदमी नहीं थे, डॉक्टर साहब जगह थोड़ी है, अगर कोई रामलीला मैदान की तरह गुंजाइश लगा के बुलाते थे तो बड़ा धर्म हो जाता आपको। क्या हो जाता बड़ा, आपको ये वो ज्ञान देते तो आपको गिव एंड टेक का ज्ञान मिलता। मैं इसलिए आपसे बंटा रहे हूँ किताबें कि आप ज्ञान दोगे तो ज्ञान मिल जाएगा। और ज्ञान क्या होगा, आपको न मौत का डर लगेगा, न कोई चीज़ का डर लगेगा, न कोई भय होगा, क्यों मन रो साफ है। जब मन साफ है तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो ये मन को साफ करना है। मन साफ होता नहीं तो उसका कोई इलाज नहीं है। कहाँ पर चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए कीजिए साहिब से हेत परम पद पाइए। सतगुरु की हाट से ये ज्ञान मिलता है, हमको जीने का ढंग मिलता है, हमको रास्ता मिलता है, जीने का तरीका बताते हैं। तो आपको ये विचार अगर मेरे लिए बात इतनी छोटी सी याद आ जाए तो करूँ ये आपत्ति। पीछे जो करे आप तो वो तो भोगना पड़ेगा। पहले जो कुछ हमने किसी का अशुभ सोचा बुरा है वो तो कर्म बन गया, वो आएगा तो भोगना पड़ेगा। पर आगे के लिए आप मनोस कर सकते हो आज से, अगर आज से आ जाए ना आपको याद है कि मैं घटिया नहीं सोचूंगा, और पहली जो नाराजगी थी सब घोड़ में तोड़, किसे दुश्मनी थी सब निकाल दो। किसकी दुश्मनी बाबा, 4 दिन की जिंदगी है, क्या मतलब हम दुश्मनी करना है ईश्वरन से, तो ये अज्ञान का कारण है दुश्मनी करे। वो बुरा सोचते रहते हैं, हमारा बुरा होता रहता है, उसका भी होता रहता है, हमारा होता रहता है। तो आपको एक ही बात मैंने बताई है कि सच्चाई आपके अंदर है, आप ईश्वरन से, विश्वव्यापी सत्य ये है जो मेरे अनुभव में आई है, और प्रैक्टिकल लाइफ आप करके देख लो और इसका व्रत कर लो कि घटिया सोचूंगा नहीं, जो करेगा सो भरेगा। आप मीठा बोलो, अगर आपको कोई घर में कहता, पति आके कह देता कोई बात खड़ी करता, कोई आज नशा नशा करके उल्टा पुल्टा बोलते हैं, तो सुन लो अच्छी तरह से बातचीत। बोलो जी कोई और बात रहेगी तो एक दो बात और बोल लो, अगर आपको इतना ज्ञान हो गया समझे कि तो बात कुछ नहीं क्या बोल रहे हैं, बोलो जी को 2-4 बात और बोल लो, जी सो रहा आपका, तो कोई आपको गलत बात कहे तो ऐसे सुन लो। ये अपने को नहीं है, ये जितने राजनेता हैं इनकी यही हालत है, जूता बजाते हैं, ये राज करते हैं, वो देखते हैं उनको ये असर है उनके घरों के अंदर, सुखी यहाँ कोई नहीं है, सखी सबके सब ऐसे ही हैं। उनके नेताओं के घरों में जाता हूँ, हालत देखता हूँ बुरी तरह से। एक पुराने को कुंभाराम जी हुआ करते फेफाने के, तो मेरे को एक लड़की थी जो मेरे को रिश्तेदारी में, वो वहाँ पर लेगी ले जा करके उधर, वो बड़े आदमी थे ना उनके, वहाँ लेगी। बोले कुंभाराम जी गया, बोले हमारे गुरु जी हेरिया हैं, वो हमें सेना को पेन सुनाया हुआ था। तो कुंभाराम जी कहने लगे कैप्टन साहब मुझे तो एक तकलीफ है। वो क्या तकलीफ आपको? बोले मेरे तकलीफ है कि मेरी बहू जो है एक बात तो कहती है मेरे को टिकट दिवा दे, मेरी बेटी जो है वो कहती है मेरे को दिवा दे। अब मैं परेशानी हूँ, तो भाई साहब ये पीछा तू ज्ञान से कोई छुटा दे मेरा। मैं कहा अच्छा ये बात है? बोले हाँ। तो मैं कहती इतने दिन नेता रहे, मंत्री रहे, आप ऐसे दुख उलझे हुए हो? बोले तो देख रहे मेरे सामने आफत आ रही है, बहू तो कहती है मुझे दिवाओ मेरा पड़ता है, बेटी कहती है मेरे को दिलाओ, और टिकट एक मिलनी है, मैं परेशानी हो जाओ सभी से परेशानी। मतलब यह है कि कोई खुश नहीं है, अज्ञान से दुख है, कोई दुख नाम की चीज़ नहीं है। अगर आपको समझ में आ गई तो एक ही नियम कर लो कि मैं ज़िंदगी में किसी से नाराज़ नहीं हूँगा, किसी का बुरा सोचूंगा नहीं। जो ये मेरी बात आती है या याद आ जाए कि उस कैप्टन का बुरा सोचना नहीं, मैंने किसी का फट अच्छा सोचो कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं आग में पैर रख रहा हूँ,
आफत में रख रहा हूँ, मैं बुरा सोचूंगा इसका नित्य बुरा होगा घर में, तो घरों के अंदर तो इसका इलाज छोटा सा क्या है, शिव संकल्प मस्तु है, मनुष्य तो सुंदर सुंदर सोचा कर तेरी दुनिया सुंदर बन जाएगी, घटिया सोचना ही नहीं। कोई आपको कुछ अपशब्द कहे, कोई आपका नुकसान भी करे, माफ़ कर दो, क्योंकि वह नशे में उसको पता नहीं है ज्ञान है। आप तो बात सुनी मेरी है, उन्होंने बेचारे ने सुनी नहीं है मेरे सत्संग में, इतने आदमी थोड़े हैं, ये तो जिसके पाँचों गड़े शुभ होंगे मेरे सत्संग में आ ही नहीं सकता, जिसके पाँचों गड़े शुभ होने वो आ सकता है, नहीं आएगा नहीं वो। क्यों मैं क्या बात बता रहा हूँ आपको, वो बात बता रहा हूँ जो हर एक आदमी दुखी है, जिससे एक आदमी नहीं है, और वो आदमी सुखी होने का तरीका क्या है, अपने मन से ईर्षा द्वेष नफरत को विद्या कर दो, किसी से नहीं करूँगा, क्यों करेगा सो भरेगा, सास करेगी सास भरेगा, पति करेगा पति भरेगा, पत्नी करेगी पत्नी भरेगा, अगर पत्नी धर्मात्मा है धर्मात्मा और पति बचे तो पति नहीं वो अपना फर्क भोगेगा, करने का फर्क है। आइए समझ में बात सूक्ष्म में समझे नहीं आपने, मोटी बताता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए, उदाहरण देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, वैसे प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मेरा प्रैक्टिकल सहजयोगी हूँ मैं, अब बैठा हूँ आपको उस योग में हूँ, वो राम नाम कहते हैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, क्यों कह रहा हूँ ये बात, कोई मन से अहंकार से कह रहा हूँ नहीं, को कहने वाला सही है, आज तक सबने दवाई वो बात बताई नहीं किसी के पास था। पहला गुरु मेरे गुरु महाराज थे पंडित फकीर चंद जी होशियारपुर वाले, जिसने इसको सच्चाई को डिस्क्लोज करी, उसने कहा मैं मेरा रूप जगह जगह जाता, उनका रूप जगह जगह प्रकट होता था, लोग भी मदद करता था, वो कहता मैं तो नहीं आता हूँ, या मेरे साथ है जगह जगह मेरा रूप प्रकट होता है, अच्छे अच्छे आदमियों के अंदर पढ़े लिखे विद्वानों, ये नहीं कि गाँव के आड़ू आदमियों में होता है, तो मेरे पास वो ऐसा था ही नहीं, विद्वान आदमी मेरे पास, मैं समझता हूँ आप सब के सब अच्छे आदमी हैं, डॉक्टर साहब ने बुलाए होंगे तो अच्छे आदमी बुलाए होंगे, उठाए क्यों बुलाए वो थे, आप जाते हैं बता रहे आपके पास ज्योतिषी बैठा है, ये जितने ज्योतिषी टाइट मारता आपके जितने राज देता है ना ज्योतिषी, मैंने सब देख रखे, मेरे पास कहीं आते मैं कहा भाई कोई बात सुन मेरे से समझ ले यार किसको ज्योतिष सिखा रहा, तो मैं आगे रहता हूँ ज्योतिषी, बोले कहाँ, मैं बोले मेरे ऐसे यहाँ पर है ये बात नहीं है ज्योतिष वाली, अलग ज्योतिष से आगे निकल गया जैसे ज्योतिष गौर कर करते, बोले वो क्या वो अलग है, वो तो परमात्मा है उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, वो उसके नीचे ही आ जाते फिर अगर अगर बनते हैं ये असर रखते हैं, और जो परमात्मा से डायरेक्ट नेट है उसको क्या मतलब है हमेशा है। तो बात यह है ये जो बैठे हैं ज्योतिषी ये इधर जो बात है ये इन लोगों का काम है, इन लोगों ने यह काम कराया संस्कार दिया लोगों को, आगे पीछे की बात बताई कि पहले धर्म तो ये था तो अब ये तो ये वो ये देखते, और जो ये योग जो आपको ये पता चल जाए मैं क्या हूँ अपना, तो आपको कुछ ही बात की शंका ही नहीं रहेगी बिल्कुल, यानी अपने आप को जान लेने वो आदमी और छोड़ो तो अपने जानने का तरीका क्या, मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, इस लोक में सुखी रहना है तो शिव संकल्प मस्तु सुंदर सुंदर सोचो आपकी दुनिया सुंदर बन जाएगी बस, और कोई भी मान लो इस आपकी मर्जी है कोई बात नहीं, राम को मानो कृष्ण को मानो देवी को मानो या किसी को नहीं मानो, तो सोचो अपनी गर्ज के लिए किसी के साथ दुख मत दो किसी को बजाओ खत्म योग याग, अपनी निजी इंटरेस्ट के लिए किसी को दुख मत दो, अपने बड़पन के लिए किसी को छोटा मत करो, ईर्षा द्वेष नफरत मत करो किसी से, चलो कुछ करने की जरूरत नहीं, आई समझ मत, मन को साफ कर लो फिर वचन को साफ कर लो, वचन को क्या ऐसी बात मत करो किसी के दिल को दुख लगे, दुख वो दुखी होगा तो उसकी रेडिएशन निकलेगी बुरा सोचेगा वो बुरा ऊपर चल जाएगा और आफत लेके आएगा आपके घर, तो किसी का दिल नहीं दुखाना, और अगर साधना करनी चाहते हो या योग साधना करना चाहते हो तो मन को ऐसा कर लो कि कोई आपको कुछ कहे तो फिर माफ़ कर दो, इसके लिए ईसा मसीह का उदाहरण है, ईसा मसीह करने लगा बोला जी कोई आपको इधर एक थप्पड़ मार दे तो फिर क्या करोगे, फिर क्या करो, बोले मैं दूसरा कर दूंगा इधर और मारने भाई, आई समझ बात, तब साधन करो आपका मन साफ हो जाए, और कोई आपको एक थप्पड़ मार दे तो भी उसका बुरा न सोचो, तब तो साधन करो तो आपकी विल पावर बढ़ेगी, आप सोचोगे भाई होगी बुरा सोचोगे बुरा हो जाएगा बुरा सोचोगे बुरा, उसका साधन है, उसका साधन योग है, वो क्या है अब मैं वो बात बताता हूँ, सदा के लिए अगर आप अमर होना चाहते हो तो बात इधर ही जिंदगी में पता कर लो, जीवते ही पता कर लो, जीवते ही मुक्ति का अनुभव कर लो, मरने के बाद किसी ने बताया नहीं अभी तक, जीवित मुक्त सोई मुक्ता हो, जब तक जीवित मुक्ता नहीं तब तक दुख भुगता हो, तो वह मुक्ति का मतलब क्या है, बंधन का क्या है, एक बंधन है हमारे घर का बंधन है, जाति का बंधन है, पति का बंधन है, पत्नी का बंधन है, बेटे का बंधन है, बहू का बंधन है, श्रोत्र के बंधन है, पंथ का बंधन है, गुरु का बंधन है, एक ने एक गुरु माने एक दूसरे मान लिया बंधे बैठे, देखो लो ज्ञान गुरु तो ज्ञान है, एक गुरु मानता दूसरे गुरु के पास शिष्य बात नहीं करते, एक गुरु का शिष्य दूसरे गुरु के जाता है तो क्या बंधन हो गया कि नहीं है, बंधन बड़े भर सब के संबंधन में बंधे तुम गा दे बंधन आन ऐसे कहते हैं, पहला बंधन पढ़िया देखा दूसरा त्रिया, पहला देखा पढ़िया, जो बोलने वाली चीज़ अलग है दे अलग है,
ये बोल रहा है आपके अंदर काम कर रहा है वो तत्व और है, उसका नाम गीता रामायण महाभारत तक तो आत्मा आत्मा कहा है। इतनी रिसर्च करी है लोगों ने, ध्यान करते करते वो पहुँचे इधर तक और उनको प्रकाश नजर आया सफ़ेद रंग का, और उनका अब आत्मा या धर्म सब कुछ यही है। लेकिन कलयुग के संतों ने से आगे रिसर्च करी, आगे खोज करी, ये कबीर दादू पलटू क्या कहते ये सोचे हैं ये गुरु नानक, इन लोगों ने नई खोज करी, क्या ध्यान किया तो सफ़ेद रंग का प्रकाश देखते रहे। उन्होंने कहा भी देखने वाली चीज़ प्रकाश नहीं हो सकता, प्रकाश को प्रकाश क्या देखेगा, एक में कहाँ विचार, तो देखने वाली चीज़ कोई और है। इस और चीज़ के नाते फिर उन्हें रिसर्च करते करते खोजते खोजते और आगे तक रहा, तो सोचने का क्या किया है, यहाँ से साधन का तरीका है ये, इस जगह ध्यान को इकट्ठा कर लोगे, ध्यान करने इकट्ठा करने के तरीके हैं अलग अलग ढंग हैं, कोई जप से करता है, कोई तप से करता है, कोई वैसे ध्यान से कर लेता है। ध्यान को मतलब जितने विचार हैं उन सबको यहाँ इकट्ठा कर लिया आपने, एकाग्र कर लिया चित्त, कोई संकल्प आए इधर वो विचार आ जाए, ये विचार जी इकट्ठा करते, इसको जो टिक्की लगाती है ना आपने हिंदू औरतें, और हम जो बाहर में बेटी जो जाते हैं किसी बड़े आदमी के दमाद को किसी को दिशा उड़ जाता है, टीका निकालते हैं इसे, इसे इसका मतलब यहाँ टीका लगाया कि यहाँ ध्यान करा कर क्या चाहता मिल जाएगा, क्या चाहता हो इच्छा करा, और फिर ऐसे कर दिया कि ये टीका एक लगा के फिर ऐसे कर दिया ऊपर कि सब कुछ मिल गया, तो ऐसे मैं सोच रहा मैं को दिया हूँ तो इधर रह जाएगा सब, तो आगे चल के अपने आप को ध्यान लेना, ये निशानी है जो टीका करते ऊपर कि आगे जाके ध्यान लेना अपने आप को क्या हूँ, ये तो यहीं रह जाएगा सब कुछ, साथ नहीं जाएगा तेरे, तेरे साथ वो ज्ञान जाएगा। तो ज्ञान गुरु है, तो ज्ञान के लिए क्या, जो करेगा सो भरेगा, पति करेगा वो पति भरेगा, पत्नी करेगी वो पत्नी भरेगी। कैसे, एक राजा की मिसाल कोट करता हूँ, कोई राजा था, राजा रानी जा रहे घूमने के लिए जाते थे, स्टेशनरी की तरफ घूमते थे, एक दिन जा रहे थे तो कोई साधु बैठा तमाशा कर रहा, बोले आ रहा था सुरख के खिलौने दे लो, सुरख के खिलौने दे लो, तो उन्होंने कहा सुरख के खिलौने, तो रानी कहने लगी हाँ जी चलो देखते हैं, रानी बोली जी हम तो सुरख का मकान दे दो एक, बोले मकान लोगे, हाँ क्या लोगे, बोले एक रुपया, उसने एक रुपया निकाल के दिया और वो मकान दे दिया। रात को ले गए दोनों, देखे बाथरूम है लेटरिन है ये है ये है ये, बड़ा बहुत अच्छा खुश हो गए और सो गया। तो राजा को सपना आता रात को कि वो कहीं स्वर्ग में पहुंच गया, स्वर्ग में पहुंच गया तो उसने दिखा तो उसके औरत का तो कुछ नाम लिखा रहा था गायत्री या सावित्री, तो बोला वो मेरी पति पत्नी का, मेरी पत्नी का घर है वो वहाँ गया। द्वारपाल करने गए तो कौन है, बोले मैं राजा हूँ और ये मेरी पत्नी है उसका घर है, बोले साहब वो तो उसी को मिलेगा, तो आपको नहीं मिल सकता, वो उसने खरीद दिया था आपने थोड़ा खरीद दिया था। अरे बोले फिर मेरी पत्नी, बोले वो ठीक है वो अलग मामला, ये घर उसने खरीदा था आपने नहीं खरीदा, आपने कहा वो तो बोले सावित्री खरीद वही जा सकती है। राजा बोला मैं नहीं जा सकता, राजा चला कोशिश करी आगे गया उसको धक्के मार के वापस निकाल दिया। अब राजा के धक्का लगना बड़ी भारी चीज़ थी, उसको कोई रह भी नहीं कर सकता था, जब धक्का लग गया तो बड़ा दुखी हो गया, रात को नींद नहीं आई, सुबह उठा बात बताई दी पत्नी को। दूसरे दिन वो कहने लगे चलो चलते हैं घूमने के लिए, जा रहे बोले इधर को चले, कल गए थे बोले आज फिर उधर चलते हैं। राजा के मन में थी कि मैं ले आऊँ खिलौना, जाके कहने लगे खिलौने, बोले जी बाबा ऐसे करो सुरख का खिलौना एक हमको भी एक घर और दे दो। जब पत्नी बोले घर कल खरीद दिया था ना, बोले नहीं जी और मैं लेते हूँ ठीक। तो बोले साहब आपके पास पैसे हैं क्या इतने, बोले क्या मतलब, बोले सुरख का घर करिए बहुत ऐसे को नहीं मिलता है, बड़े पैसे लग गई। बोले कल तो इसने एक रुपये में लिया था, बोले इसने तो विश्वास से लिया, आप तो धक्के खा के आए हो, आपको धक्के लगे तब आप चेते आ गए लेना चाहिए, ये तो विश्वास से लेगी पहले के शुरू में घर होते हैं, अरे आप तो धक्का खा के आए हो इसलिए बहुत ज़्यादा कीमत लगेगी, मेरी बात समझिए कि नहीं, जो करेगा सो भरेगा आप में से, जो जैसे आज करेगा पति करेगा तो पत्नी और पत्नी। अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए छोटा नुकता बताता हूँ, अगर पूरा घर ना आवे तो आप अपना आपको साफ कर लो, आपको वो फर्क मिलेगा, क्योंकि सदा का घर नहीं चले जाएंगे एक दिन आपके साथ आपके कर्म जाएंगे, छोटा नुकता है। पहले तो पूरे घर का मामला गृहस्थी आना पा, तो घर सुख बसया तो बाहर सुख पाया, कह नानक गुरु मंत्र दिवाया। घरों के अंदर संपत हो, एक दूसरे से प्रेम हो, छोटा मत बोलो उसको, वो ईश्वर अंसर चार दिन का मेला है इकट्ठे हुए, कोई कारण है इसका, कोई और सत्संग होगा कभी बाद में, कोई आप में चेतगा नहीं सत्संग कराएगा तो डॉक्टर साहब को बता देना, यहाँ पर डॉक्टर साहब यहाँ रहते निमनोज है ये सिंगल, इस लड़के को बता देना दिल्ली में काम करता है मेरा यहाँ पर, इसको बता देना सत्संग करा दूँगा, वो सत्संग में अलग बताऊँगा, आज तो इतना ही बताऊँगा क्या कि जो कुछ करेगा सो भरेगा। तो आप अपने कर्म को ठीक कर लो, ईर्ष्या द्वेष नफरत निकाल दो, पहली कोई नाराजगी किसी की थी तो माफ़ कर दो, आज बोलो कि इसके बस की बात नहीं थी, कोई कर्म का चक्कर था देने देने का उसका खत्म हो गया, और आपने मन ने साफ करो, आइए समझ बात,
आपकी दुनिया सुंदर बन जाएगी। सदा के लिए अमर होना तो पहला स्थान या दुनिया बनाओ, अगर दुनिया नहीं बनेगी तो आप सदा के लिए नहीं जा सकते। गोस्वामी तुलसीदास को पता चल गया कि भूखे से बस नहीं होता, तो उसने माला मुड़ा पैर रखी थी, माला निकाल के बोला मूर्ति को, भगवान की, बोले भगवान को, महाराज भूखे बदन हुई ही गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला, इन भूखे से भजन नहीं होता। तो आपके पास सब कुछ होना चाहिए, गृहस्थी हैं, सब कुछ आपके पास होगा तब आप भजन कर सकते हैं। और वो भजन क्या है कि सदा के लिए अमर अमर हो जाओ। यदि देख अमर अपनी अभी देख लो, क्या देखना है कि नहीं ऐसे? अब मैं कह दूंगा तो बात छोटी पड़ेगी, पर मैं कह देता हूँ बात। मैं जब मुझे ज्ञान रहता है तो मुक्त रहता हूँ, जब मुझे बात लगे ना क्या, मैं राम नाम को अनुभव करता रहता हूँ हमेशा, वो सारा दिन राम नाम मेरे साथ रहता है। वो क्या है, कबीर साहब ने इसको ऐसे कहा, सहजे ही धुन होत है हरदम घटके माही, सुरत शब्द मेड़ा भयामू की हाजत नहीं। सुरत ये बोलने वाली चीज़ है, शब्द वो राम नाम है, उसका नाम शब्द है। फिर किसी ने निज नाम भी कह दिया, किसी ने सतनाम भी कह दिया, किसी ने नाद भी कह दिया, किसी ने अनद भी कह दिया, आपके अंदर गूंज रहा है वो। आइए समझ बात, आपके अंदर वो राम नाम है। अपनी दुनिया बढ़ाओ, दुनिया बनाने के लिए सोचो, आपका अच्छा मकान होना चाहिए, अच्छी दुकान होनी चाहिए, आपके पास जरूरत की सब चीज़ होनी चाहिए, जितना आप संभाल सकते हैं। ये नहीं कि ज़्यादा मकान बनाने से बड़ा आदमी मिल जाता है, कुछ नहीं। मकानों में कबूतर बोलते हैं, राधा उनगढ़ बनाए थे, पड़े हैं कबूतर बोले आजकल। मैं लोगों में बड़े बड़े महल में जाता हूँ, अच्छे अच्छे महल हैं, बड़े घर, बड़े आदमी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील हैं, कोई एडवोकेट है, कोई जज है, और वह हालत बुरी देखता हूँ, क्यों मेरे चेले हैं ना ये लोग ज़्यादा। चेले का मतलब मैं किसी को बढ़ाता नहीं, आप ही बने रहे हैं, किसी को नाम नाम नहीं देता हूँ। मैं सत्संग देता हूँ, बात बताता हूँ ये तरीका है, और किताब देता हूँ पढ़ लेना था। ये किताब मेरी 16 है, जो 16 किताब पढ़ लेता है वो 5-4 में पढ़ लेता है, वो सब समझ आ जाएगी। सारे शास्त्र, रामायण, गीता, महाभारत, बाइबल, कुरान शरीफ सब उनके अंदर है। छोटी छोटी पुस्तकें लिखी जीवन के हर अंग के ऊपर लिखी। मैं तो लिखता नहीं था, मुझे पता नहीं था, सेना का आदमी था, डॉक्टर कमला विद्वान है, ये शुरू से धर्म कर्म के ब्रह्म जानती थी। इसने कोई सत्संग सुना होगा, कहने लगी आप लिख दो तो बहुत अच्छा, आने वाली पीढ़ी को काम आएगा। वो क्या मतलब, बोले आप बहुत ऊंचा बोल रहे हो, आपको पता नहीं है, और ये लिख दो नहीं तो कायम रह जाएगा। मैं सोचा कि साहब ऐसे टाल दिया, 2-3 फिर मेरे को कहा, कहने लगी क्यों गलती कर रहे हो, हवा में उड़ा रहे हो, ऐसी ज़रूरत है, इस पीढ़ी को ज्ञान नहीं इसका, आप बोल रहे हो, नहीं तो कोई टेलीविज़न पर बोलता है किसी चैनल पर, नहीं कोई शास्त्र में लिखा हुआ है, आप अलग बात बोलते हो, इसे लिख दो। मैंने वो लिख दी, इसने वो लेकर किताब करके कंप्रोमाइज छपा दी, तो पुस्तक हैं और वो आज आपको ये ज्ञान देंगे उसके अंदर। इसके लिए पहला स्थान सिद्धि का स्थान, ये इधर जो आपको बता दिया, जो चाहते हो ज्ञान का, कुछ ज्ञान चाहते हो, अनुभव चाहते हो, तो वेद शास्त्र सब के सब, ये विज्ञान सब यहाँ तक का है, त्रिकुटी माथे के बीच में, यहाँ पर ध्यान करोगे मन एकाग्र हो जाएगा, तो इनके अलग अलग पहचाने। पहले स्थान पर मन इकट्ठा हो गया जब, तो पीले रंग का प्रकाश और घंटे का शब्द आएगा आपको, टर्न 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 ये बोलेगा, तो समझो आप वो सिद्धि आ गई। सिद्धि क्या आ गई, अगर नाराज़ हो गए पत्नी से थोड़ी सी देर तो बुरा, तो बीमार हो गए अस्पताल ले जाओ, और अगर खुश हो तो फायदा हो जाएगा, समझे ना आप, जैसे सोचोगे वैसे हो जाएगा, आपकी विल पावर बन जाएगी, सोचोगे जल्दी हो जाएगा काम। तो अगर ऐसा आदमी मन साफ नहीं है और साधन सीखता तो कोई फायदा नहीं, तो साधन से पहले वो पुता मेरी पुस्तक पढ़ लो घर में आप, या अपने फकीर की पुस्तक पढ़ लो, या कोई और जो कोई समझते हो जब मेरी तो बात करें बस समझ लो, सच्चाई बता दे वो। तो आप वो साधन करने से पहले मन साफ हो तब तो साधन करो, नहीं साधन सिद्धि तो आ जाएगी पर सोचोगे उल्टा तो उल्टा हो जाएगा, आप समझेंगे नहीं। कोई एक ऋषि आया ना दुर्वासा, जो डरते थे उससे कि उसका ज्ञान नहीं था तो बुरा सोचने लग गया, सिद्धि थी उसमें, तो आप में सिद्धि है, थोड़ा सा मन रुकेगा आप में सिद्धि आ जाएगी। तो पहले स्थान सिद्धि का है, जो चाहोगे हाट दुकान मकान हाट हवेली संतान सब कुछ मिल जाएगा, सतुर चीज़। दूसरा स्थान है जो ज्ञान आप चाहते हो, इस लोक का, जैसे संजय को पूछने लगा कि मेरे पुत्र वो क्या कर रहे हैं, तो खट संजय सोच की ध्यान किया और पता चल गया अभी यही हो रहा है, राजन ये सेना तनी खड़ी है, ये है ये है ये। किसी तरह का ज्ञान चाहते हो तो आपका माथा के बीच में ध्यान करने से होगा। इधर क्या होगा, यहाँ पर लाल रंग का प्रकाश आ जाएगा और आपकी इष्ट की मूर्ति आ जाएगी, जो भी आपका इष्ट है, राम है, करीम है, गुरु है, पीर है, कोई भी, वो मूर्ति आ जाएगी, विल पावर बन जाएगी, सोचोगे वही होगी, जो ज्ञान चाहते हो वो आपके सामने आ जाएगा। ये ज्ञान, ये जितना भी ज्ञान है यहाँ तक का है, और इसमें इष्ट की भी जरूरत नहीं है। दाता दान और दे तीन चीज़ होनी चाहिए, आप क्या किस चीज़ को जाते हो, जिस चीज़ की इच्छा अभी उस चीज़ का इच्छा करो तो वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी और जल्दी मिल जाएगी आपको। तीसरा, फिर थोड़ा सा इसके ऊपर चलते हो, थोड़ा सा ऊपर इधर ध्यान बन जाता है, तो यहाँ पर क्या मस्ती होती है आपकी। तो यहाँ का क्या है, यहाँ के है शब्द पहचान है, सारंगियाँ बज रही हैं यहाँ पर, और सफ़ेद रंग का थोड़ा थोड़ा चांद जैसी चांदनी आएगी, तो आपके अंदर मस्ती रहेगी, फिर मन काम नहीं करेगा, मस्त रहोगे नशे में,
जैसे पी लेता ना, पीड़ा होता बंखेड़ा होता ना, वैसे रहोगे सारे दिन खुशी रहेगी बिल्कुल। ये कई कह रहे फलाना बड़ा मस्त साधु था, मस्ताना महात्मा, कई कहे नाम मस्ताना लिखा है, मस्ताना वो यहाँ ठहर गया, बस वो मस्ती है उसकी, खुद सिद्धि भी आ जाती है। और थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलोगा तो सफ़ेद रंग का प्रकाश आ जाएगा ज़बरदस्त यहाँ पर, और वहाँ पर सोहम, सोहम का शब्द आएगा और आपको सफ़ेद रंग का प्रकाश दिखेगा, ऐसा जैसे सूर्य हो गया। और वो आत्मपद है, इसी का नाम पहले बताएगा, यही है सब कुछ। लेकिन इसको अभी कलयुग के संतों का ना, ये तो आत्मा है, आत्मा है, आत्मा आत्मा को क्या देखेगी, देखने वाली चीज़ और है। तो फिर इसके बाद आगे जब चलोगे इसे प्रकाश से आगे, तो आपको गहरा प्रकाश आ जाएगा यहाँ पर, ये माथे के बाल मिलते नहीं इस जगह पर ध्यान करने से, सफेद रंग का कोई सैकड़ी सूर्य नजर आएंगे आपको। तो सूर्य तो कोई नहीं अंदर है, क्या है फिर वहाँ पर, वहाँ पर है वो आपके जो ब्रह्मचारी के जीवाणु है ना, जितने एक 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 जीवाणु वो एक सूर्य से चमकता है, वो आपके अंदर है। और जितने मैंने साधन बताए इनमें ब्रह्मचारी की जरूरत है, अगर आपका साधन नहीं करते हो ब्रह्मचारी के, मतलब बाल बच्चे पैदा करो, एक दो तीन पति पत्नी फिर से रहो, स्वाद करिए गृहस्थ मत भोगो, स्वाद करिए इधर जाओ आत्म पद के आनंद ले लो, और वो शक्ति रखोगे तो जिस लैंड में आप काम करते हो कमाल करोगे। अध्यात्म की बात नहीं करता हूँ मैं, अगर आप बिजनेसमैन हो तो कमाल करोड़पति बनोगे, धन की इच्छा करोगे तो आपको ऐसी सूझ सूझ जाएगी, यहाँ पर त्रिकुटी बात है ये काम कर लो और वो बिजनेस करोगे आप मालोमाल हो जाएगा। ये और भी बिजनेस मतलब क्यों बढ़ रही है, जिनका ध्यान इधर एकाग्र हो जाता है, इच्छा होती है वो पढ़ती फूलती है। और अगर राजनीति में करोगे तो राजनीति में बड़ी सी टॉप के टॉप बढ़ जाओगे, और अगर और चीज़ में करोगे किसी में बिजनेस में तो उसमें, और जब बुराई में सोचोगे तो नेताओं की देख रहे हो, नेता होंगी बुराई सोचोगे तो नीचे कितने नीचे जा सकते हो, जो बात इधर नहीं करते वैसी बातें करोगे। आप में शक्ति हो, जिस तरफ आपकी तवज्जो जाएगी कमाल करोगे। तो ये आदमी आपको यहाँ तक आ गया, सुरख कहते हैं इसको, ये सतलोक बताते हैं यहाँ पर। इसके क्या दो चीज़ लाइट एंड साउंड, प्रकाश है, आत्मपद है, और साथ ही साथ आपके अंदर वो क्या कहते हैं वो उसको सुनने वाली चीज़ है, दोनों चीज़ प्रकाश। और फिर इसके यहाँ तक सीधी सीधी मिल जाएगी, पूज जाओगे, बड़े महात्मा बन जाओगे, नाम होगा, लोग किताब लिख देंगे सब कुछ, फिर दोबारा जाओगे इधर जन्म लोगे, फिर जाओगे फिर आओगे। तो इससे जन्म मरने से अगर बड़ी होना चाहते फिर क्या होगा, फिर थोड़ा आगे जाना पड़ेगा इसे। फिर इससे आगे जाने के लिए क्या होगा कि आप यहाँ पर ये जो बच्चे का ताड़वा टिप टिप करता है, इधर ध्यान बढ़ेगा, इधर ध्यान बढ़ने से आपको सिर्फ एक ध्वनि आएगी मिठी, वो राम नाम, और साथ ही सुनने वाली चीज़ होगी यहाँ से, और यहाँ से लेके चोटी तक जब जाओ, चोटी पर जाओगे फिर गहरी नींद की तरह डीप हो जाओगे, नहीं तो वो शब्द रहेगा, नहीं आप रहोगे, नहीं तो सुनने वाली चीज़ होगी और नहीं जिसको सुनते हो होगी, जैसे गहरी नींद में जाते हैं ना वो हालत आ जाएगी। और फिर जब आप उस चेतनता आएगी उसके बाद कोई ज्ञानी आपको वैराग दिला देगा, वैराग क्या दिला देगा कि ये जो तेरे साथ लगे हुए सबके सब इधर देने देने का चक्कर था, तेरा इधर कोई है नहीं, तू एकला जाएगा, एकला जाए, तू अलग है, ये अलग है, ये तो तेरा कोई देना देना था पहले का जो चुकाने के लिए, कोई बेटा बन के आया, कोई भाई बन के आ गया, कोई जवाई बन के आ गया, कोई ठग बन के आ गया, कोई चोर बन के आ गया, कोई ले लेगा और कोई देने वाला दे देगा किस तरह से, ये इस काम के लिए आया, यहाँ कोई नहीं तो बैराग है। तो पहले तो बैराग होता, भाग जाते थे, गोपीचंद भर्तृहरि की तरह घर छोड़ देते थे, अब जाएंगे काम, अब जाने की कोई जगह नहीं, इन्हें कोई भिक्षा देता है तो कलियुग के संतों का कि रोजी रोटी आपने खुद ये कमा के और फिर खाओ, फिर तुम्हारा वजन बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, दूसरों की जो कमाई रोजी रोटी लोग खाओगे ना मांग के तो वजह से अनुभव समन होगा, आप अच्छे नहीं, मन ठीक नहीं रहेगा आपका, अपनी मन से कमाओ और खाओ और फिर बाद में वजन बंद करो, ये तरीका है। तो सदा के लिए अमर होना है तो ये तरीका है, चोटी तक का साधन है, मामूली कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, कोई हाथी घोड़ा लदनी नहीं, मामूली है, ध्यान की एकाग्रता है। कबीरा आदेश वह न्यारा लख है कोई नाम का प्यारा, न योगी योग से पावे न तपसी देह जल जावे, सहज में ध्यान से आवे सुरत का खेल जिसे आवे, सुरत जो है ये शब्द के साथ राम नाम के लगाने से ये आ जाता है, ये कबीर का शब्द है। तो आपको मैंने ये बातें मोटी तौर से बता दी, दुख इस आदमी को ये है, अज्ञान का दुख है, वरना ईश्वर से आप में सिद्धि आप में यह कि सोचोगे वैसे आप हो जाओगे, तो सोच को ठीक कर लो, सोच को पॉजिटिव ले जाओ, कभी नेगेटिव सोचो मत, अगर कोई नुकसान हो गया आपका तो बोलो कोई इसमें भलाई है, कोई गाड़ी से लेट हो गया आप तो आप भागे जा रहे हैं और गाड़ी चले गए तो बोलो कोई बात नहीं इसमें कोई भलाई है, हमें सब जो कुछ करी से भला, क्यों शायद हो सकता उस जगह जाते तो आपको कोई तकलीफ हो जाती थी, तो उसको पॉजिटिव सोचो, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, सोच को ठीक कर लो आपको कोई दुख नहीं होगा, सोच का दुख है। और ये रुस्सा मनी नाराजगी का ये है, तो अगर ये चाहते तो हम सब गृहस्थी हैं तो गृहस्थी की मैं बात बताइए, कोई सन्यासी नहीं बताएगा आपको, जो ब्रह्मचारी है क्या बताएगा वो, उसको पता ही नहीं इन बातों का,
कि घर में नाराज भी होते हैं कि रूसते हैं कि मन तो पता नहीं क्रिश्चियनों में तो घरों के अंदर वही बात है, आपके घर में वही, मेरे घर में वही, दूसरे घर में वही, कलेक्टर साहब के घर में और वही राष्ट्रपति साहब के घर में, आप समझे कि नहीं? अच्छे चार सब घर में एक ही बात है, ऊँचा चढ़ते देखो घर घर एक ही लेखा, क्या पढ़ लिखा क्या सेखा, तो बात समझिए आपको, मन को ठीक कर लो, घर में प्यार रखो, एक ने कहीं दूसरे ने मानी करना दोनों, यानी पति कहता जी ऐसे करें, बोले हाँ जी, पत्नी कहती ऐसे करें, हाँ जी, हलो घर बस गया, पति कहता ऐसे करें मैं जा रहा हूँ, लड़का देख क्या, पत्नी कहती है वो देख क्या है, वो लड़का थोड़ा पक्के रंग का है, तो फिर लड़की देख, लड़की बोलो नहीं पापा वो नहीं, वो तो और बसे होना चाहिए, हेलो कैसे काम करेगा, बोलो अरे मुश्किल होगी इसे, ये दुख है सब, तो एक आदमी को तो एक पर विश्वास करो, तुमको उस पर विश्वास नहीं है तो कैसे काम होगा, तुम्हारा विश्वास की दुनिया है, तो क्या ये बात हो सकती है? हाँ मैंने 13 शादी करी हैं, गृहस्थी हूँ, मेरे मेरे भाई के बच्चों की, लड़के लड़कियों की, 13 शादी, मुझे कोई तकलीफ नहीं आया, अगले को बुलाया राजी राजी करके थोड़े से शादी कर दी, क्योंकि मुझे कप्तान था जो मेरे पास खर्चा तो चल जा, बैंक बैलेंस था ही नहीं, खर्च कर देता था, फकीरी में था, वो कहते हैं जो जा फकीरी कोई कोई तकलीफ ही नहीं है, क्यों फकीरी के अंदर क्या है, हाथ में कुंडी बगल में सोटा चारों तो सादागिरी, तो मेरी सादागिरी में रही कि सबका सब कोई, अगले कह दिया लड़की लेनी है क्या, देख रहे मेरी लड़की है तेरे पर्सनल के, देने के लिए 1 रुपया दूंगा इधर, उसमें रजाई कामड़ सब देख लेना, सीधी बात सच्ची बात सच्ची कह दिया, अगले धोखा मत, वो ये मत समझना कप्तान साहब यार बाद में देगा, मैं दूंगा नहीं बाद में, मेरी लड़की को जरूरत है, मेरे पास जो होगा टूम टाम लाने की जरूरत नहीं है भाई, 17 शादी में दुआ की मुंडली नहीं कटवाई गई, सुनार के पास जा करके मैं आपको सच्ची बात कह रहा हूँ कि मैं नहीं कटवाई, क्योंकि मैं पहले से समझ रहा था बात, कोई बात ही नहीं, आगरे सीधी बात कर, ये बात है, लड़का देख रहा हाँ भाई आएंगे, कितने का आदमी ले आऊँ, 5-7, बोले जी थोड़ी सी ले आना बहुत अच्छा, मुझे जाऊँगा 10 आदमी को ले गया उठा के, बड़े लड़का वकील था उस टाइम पर, 10 आदमी गया, लड़के ने ऊँट पर चला दिया, गाडे दो गाडा बैठ गया चला गया, मुझे देखा कप्तान के लड़के की जान बारात आएगी, पता नहीं कितने का आदमी आएंगे, तो बंदूक फंदूक लेंगे चलाएंगे ये करेंगे, हमें गया बोला अच्छा आ गया अपराध, बैठ के खाना खुना खाया सब कुछ, फिर ले जाके पता नहीं 1,000-1,200 रुपया दिया, बोले जी किन्या दान का आए हैं, मैं आप रखो मैं नहीं रखूँगा, बोले क्यों, तो आपने दिए मैं तो दिया नहीं, बोले तो क्या मैं नहीं लेता है रुपया, आप रखो अपने पास, आपने लड़की दे दी सब कुछ आ गया इसमें, इसमें क्या कसर क्या रहेगी, और सब लड़कियाँ ऐसे लिया भाई कुछ नहीं देने की जरूरत नहीं और कोई कमी नहीं, अब वो सब लड़कियाँ नौकरी कर रही हैं, कोई प्रिंसिपल है, कोई लेक्चरर है, कोई टीचर, सब की सब पढ़ी लिखी लड़कियाँ ने एक पैसा नहीं लिया, और सीधी कह दिया अगले को मैं कुछ दूंगा नहीं, आई ये समझ बात, गृहस्थी हूँ ना मैं, तो गृहस्थ वाली बात को आप सब ज़्यादा जनक बनते हो तो दुखी हो गए, आपकी अस्थित्व तो है नहीं, और एक देखो देखो सब आपके देखो देखो मैं करूँ, आपके पास कितने करोड़ की संपत्ति, आप गरीबी आपका करोड़ों का है, अब मैं करूँ तुम्हारे गाँव में, मेरी बात तो सुने तो बड़े आदमी को तकलीफ है, मेरे को तकलीफ नहीं थी, अगले कह दिया भाई लड़की देख लो तुम्हारा मरता कोई बात नहीं, और लड़का तो बोला भाई लड़ने लड़ने की बात नहीं होगी ऐसे ऐसे कर लेंगे, तो इस तरह कर लो कोई तकलीफ नहीं है, क्यों मुझे समझ आ गई, मुझे ये ज्ञान हो गया खेल क्या है, हेरा फेरी 400 बजे झूठ कपट निकाल दी, अगले 100 साल का संबंध पड़ता संबंधी से, कोई संबंधी से नाराजगी नहीं भी, कभी भी कोई नाराजगी नहीं, क्यों देने देने की बात ही नहीं थी, लड़कियाँ देती वो लड़का लड़कियाँ ले आए बगैर पैसे के, मेरा घर बसा हुआ है, लड़का लड़की दोनों कमाते हैं, कोई तकलीफ नहीं, मैं आज़ाद हूँ, नहीं तो कोई मेरे पीछे बैठा होता खर्चा करता, वो अपना कमाई खाते, तो गृहस्थी आदमी होते हुए हमें यह ज्ञान आपको हो जाएगा तो सुखी रह जाओगे, सब कुछ हो सकता, कोई बात ही नहीं उन्होंने बात ही नहीं, अज्ञान का दुख है, अज्ञान को दूर करें, शादी शुदी पहले से प्री डिस्टेंड है, जहाँ होनी है वो होनी है, अपने को पता नहीं, हम देखते फिरते अपने आप बड़े शाणे बनते फिरते, शाणे कुछ नहीं होती है, ये ज़्यादा शाणा बनते वो ज़्यादा वो आफत में आ जाते हैं, ज़्यादा शाणा बनते हैं ना आफत में, लड़की ऐसी आ जाती है घर वालों को कैद करा देती है सब, हमारे एक ब्रिगेडियर साहब हैं वो लड़के की शादी शुदी करी और करने बाद लड़की आगे कोई वकील थी लड़की वो लेक्चरर थी पता नहीं, और उसके घर वाले वकील थे, तो लड़की को लड़के ने कुछ कह दिया तो लड़की ने जाके बाप को गया, उन्होंने जाकर ये बोला जी जेद का मामला बड़ा बड़ा के फटे, ब्रिगेडियर साहब को वाइफ को दोनों को जेल में ठोक दिया, एक महीने तो कोशिश होने के बाद पता नहीं 1,00,000 रुपया लिया वकील थे वो, और बाद में गया वही शादी देख लो, तो आजकल ये आता आज बहू जाएगी नहीं और घर जाते कल ही झगड़ा हो जाएगा, पति पत्नी का दो थोड़े दिन के बाद फ्रैक्शन हो जाएगा, अज्ञान का क्या फ्रैक्शन है मुझे बताना नहीं चाहिए, क्यों तो आप मेरे पोती दो चाहिए उम्र की बेटी हो सब, बेटा वो सेक्स के मामला गृहस्थ का कामुकता जो है सारा सारे दिन की नहीं होती है, पहली कभी कभी बात होती है तो कामुकता हटा हो बच्चे के लिए, और खेल जो समझोगे थोड़े दिन फिकाई आ जाएगी तुम्हारे अंदर और गुस्सा आ जाएगा अच्छा नहीं लगेगा, पति पत्नी इष्ट है एक तरह का, जैसे इष्ट बनाता कोई आदमी
गुरुकार वो इधर ध्यान करके आनंद देता है उसका। इसी तरह आदमी पत्नी को इष्ट बुलाता है, पत्नी पति को बुलाती है, एक को देख के खुश होती है, एक दूसरे को कहता वो करते हैं, वो तो जिंदगी है। और मन मोटा हो तो नरक में हो गया कि नहीं, बुरा सोचोगे, बच्चा पेट में बुरा सोचती माँ, बच्चा पेट में टेलीविज़न देखते ऐसे, वो टेलीविज़न ख्याल छोटे छोटे बच्चे बोलते ऐसे करते। मैं कहा भाई तेरा टेलीविज़न का बेटा ये संस्कार, जब बच्चा पेट में था टेलीविज़न देखा तो बच्चा ऐसे करेगा और क्या बात करेगा। एक रोज़ में कहीं चला गया, पता नहीं कहाँ था, जयपुर में न बीकानेर में, तो बीकानेर में एक प्रिंसिपल था डूंगर कॉलेज का, उनके घर चला गया। वो मैडम बैठी थी, बातें चीतें करते रहे, देखते थे, मैडम कहने की जी आ गया बात, हाँ जी ठीक है, मेरे को ले गया सत्संग कराने के लिए। फिर कहने की जी मारे तो बच्चे थे नहीं तो तीन बच्चे बहुत बदमाशी करते हैं बहुत ज़्यादा, मेरे सोफा तोड़ दिया, सब उछलते उधर पड़ते इधर आ जाते इधर पड़ते। मोको चरित्र तो ठीक है, बोलो हाँ जी चरित्र से सत्य बोलते, झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल बिल्कुल सच बोलते हैं, सब कुछ पूछ रखते, इधर टूटते सोफा तोड़ दिया, उधर कूदते उधर। मैं कहा आपको बच्चे कैसे, कोई ईश्वर? बोले जी हाँ, मेरे बच्चा नहीं हुआ, लड़की लड़की हुई तीन, तो मैं बाबा जी के पास में गई, एक धुना तपते थे। मैं कहा बाबा जी बच्चा कोई नहीं, मेरे को लड़का चाहिए। तो बोला बालाजी महाराज का ध्यान करो, जो चाहो उसे मिल जाएगा। तो बोले मैं बालाजी महाराज को ध्यान करा, मेरे तीन बच्चा तो ठीक है भाई, बंदर का काम है, बंदर बंदर का काम करें बच्चे। औरत बड़ी नाराज हुई, बड़ी नाराज़ हुई, बोली कही आपने कैसे कह दिया। मैं कहा तो भाई देख बोली जो देख वो बालाजी का इष्ट आते रहे, तो बालाजी क्या मतलब वो तो काम है, बंदर कूदेंगे लाचेंगे, चरित्र तो कहती है उनका ठीक है ठीक है, क्यों जैसे ध्यान करोगे वैसे गुणाएंगे। अभी जो आदमी महात्मा गांधी जी का बढ़ाएगा, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, रहस्य बता रहा हूँ आपको, अगर कोई इष्ट रखेगा महात्मा गांधी जी का तो वो ठीक पड़े अनशन करेगा, फिर वो जैसे ये कर रहे हैं अन्य वगैरह कर रहे हैं ये अनशन करेगा, अनशन की जरूरत नहीं है, इसी अज्ञान है। कृष्ण का जो ध्यान करेगा वो कामंग को नहीं रोक सकेगा, भगवान कृष्ण का क्यों अपने इष्ट है ना वो, पर क्यों वो तो रानियाँ थी रास रखते थे, तो वो संस्कार होंगे उसके, जिसका ध्यान करेगा वैसी रेडिएशन आती रहेगी, तो जैसे ध्यान होगा वैसे हो जाएगा। तो वो लेडीज नाराज़ होगी बहुत ज़्यादा, प्रिंसिपल की वाइफ। फिर मैं बोला नहीं ऐसी बात नहीं बहन जी, मैं आपको रहस्य बताया, मैं रहस्य कहता हूँ, मैं सहज योगी हूँ, और जो तुमने बताया तुम तेरे पूछ बता दिए ये मामला है ऐसे हो, क्यों कैसे है। और कई बच्चों को मैं शक्ल देखूँ तो बालाजी जैसी शक्ल होती है कई होंगी, तो मैं क्यों देखता हूँ, मैंने पता चला भाई तुम्हारा क्या इष्ट है देवता, बोले जी बालाजी वो ठीक है बिल्कुल, क्यों जैसे ध्यान करेंगे वैसे बन जाता है, जिसका जैसा इष्ट है वो गुण आ जाते हैं, समझे कि नहीं, वैसे गुण आदमी में आ जाते हैं। तो गुण जो संगत इसलिए कहते हैं, भले आदमी की संगत करें भले आदमी की तरह रहें। तो रहस्य बताया मैंने आज का आपको, संकल्प को ठीक कर लो, रुसाबनी को ख़त्म करो, खेल मारे हैं परमानेंट नहीं है इधर जगह, थोड़ी टाइम के लिए आए हैं, अच्छा खेल खेलो, घटिया छोड़ दो, कोशिश करो सुख दो सुख मिलेगा, प्रेम करो प्रेम मिलेगी, सेवा करो सेवा मिलेगी, दान दो धन मिलेगा, और किसी को गाली देगी देख लेना, एक दोगे पाँच सौ सुन लेना, गिव एंड टेक का सिद्धांत है दुनिया में, साथ से दूर से। इसलिए मैं आपको, आप शायद पता नहीं क्या सोचा होगा डॉक्टर साहब, इसलिए मैं कहा था कि ज्ञान दोगे तो ज्ञान मिलेगा, तो मैं इन बेटियों को भाइयों को जो थी बात बता रहे हूँ वो आप दिला रहे हैं इधर से, और साथ साथ अभी दोगे तो आपको ज्ञान मिल जाएगा, आज नहीं तो आगे मिल जाएगा, टाइम मिलेगा, टाइम लगती है उसके लिए, गिव एंड टेक का सिद्धांत उद्योग से मिलेगा। हाँ मेरे के सेठ बाड़ियाँ हैं मेरे गांव के नज़दीक के, तो मैं उसका लड़का था, एक फैक्ट्रियाँ चलाता था, फैक्ट्री चलाते अचानक कोई मोटरसाइकिल धक्का लगा तो कोमा में चला गया, 60 महीना कोमा में पड़ा रहा लड़का, उसने जितना धनी आदमी था खूब पैसे पैसे लगाए, डॉक्टर बुलाए सब कुछ कराया, और वो आखिर एक्सपायर हो गया, तो उसको क्या करे बैराग हो गया, बहुत दुखी हो गया। तो किसी ने बताया तो उसका भतीजा कहने लगा कैप्टन साहब हैं बड़े भारी गानी ये वो, उसको बड़ा सारा एक बात बताई मेरी, तो वो और उसकी वाइफ मेरे पास घर आई, पर उधर मिलना चाहे जयपुर में मेरे दो तीन बार गए थे मैं मिला नहीं, मेरे घर आया कि बोलो बहुत दुखी हूँ, बात क्या है? बोला ऐसे मेरा लड़का चला गया, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल से, बिल्कुल जीना भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ, ये कोई इलाज है कि इसका? मैं इलाज है क्या? मैं ज्ञान है। बोले ज्ञान कैसे हो? तो मैं ज्ञान देख ले तू कैसे हो। बोले वो तो रोज पूजा पाठ हमेशा करा हमेशा, वो तो लक्ष्मी की पूजा करें लक्ष्मी तेरे पास खूब होगी भाई, पूजा करें वह चीज़ है, पूजा का मतलब इच्छा, लक्ष्मी करें लक्ष्मी आ जाएगी, क्यों जो महाजन लोग हैं उनके पास लक्ष्मी है क्यों है, वो पूजा करते हैं लक्ष्मी कदर करते हैं हमेशा, पूजते हैं होली दिवाली के अंदर पूजा करते हैं, लक्ष्मी चाहते हैं, आप चाहते हो वो चीज़ आएगी, आज सोचा है कि नहीं? तो बोले फिर मेरे को ये कैसे, वो तेरे को ज्ञान दे। बोले मैं तो खुद ही ज्ञान को नहीं, वो ज्ञान का मैं मदद करे, भंडारा करवा लोगों को बुला या यह करे। तो बोला नहीं और आसान, मैं आसान भाई मेरे पास तो मेरी पुस्तक है, मेरे लिए पुस्तक बंटा दिया करे, यूनिवर्सिटी में वगैरह में जाता हूँ मैं पुस्तक बंटा दिया करे, वो तेरे को लाभ जाएगा। बोले साहब मेरा जिम्मा रहा, फिर
कि उसके पास अच्छे पैसे वाला आदमी है। मेरा काम है साहब सत्संग जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में जाते हो इंस्टीट्यूट में, वो तेरे दान पात्र वो हो सकते हैं, या तो बड़े ऑफिसर होंगे वो सोचते हमको देना ही चाहिए, या प्रोफेसर होंगे या विद्वान दंड है हमको मिलना चाहिए, वो तेरे दान अच्छी तरह वो ले सकते हैं और तेरा काम हो जाएगा, वो तेरा दान देंगे और तेरे को जल्दी से जल्दी ज्ञान मिल जाएगा। बोल ठीक है, अब मैं जहाँ जाता हूँ वो बटाता है। जयपुर के अंदर कम से कम 5-10 लाख रुपये की पुस्तकें बटा दी उसने, जब यूनिवर्सिटी वो कहता है जहाँ बटे अब कहता है सबको, भाई सबका तो नहीं कहूँगा मैं, खास यूनिवर्सिटियों के जो बच्चे हैं लड़के लड़कियाँ हैं वो प्रोफेसर हैं वो दे देना, या जो वकील हैं जजेज हैं डॉक्टर हैं, मतलब जो वो चाहते हैं हमको देना ही चाहिए वो दे देंगे दान, तो वो दान दिया करो। तो वो जो ऐसे करता, मेरे तो कोई उसमें मतलब नहीं है, मेरा तो आंगड़ा है, किसी ने कहा कि साधु को थोड़ा घी और खांड ऐसे घोल करके पी ले तो उसकी काया ठीक रहे, कहे बाबा जी घर का क्या, बोला घर का आंगड़ा है भाई। तो मेरे पास तो आंगड़ा है, मैं तो सत्संग देता हूँ, जो सत्संग कराने वाला ये जान मेरे को बुलाते हैं, आपको कोई सत्संग चाहिए तो अगर अमर होना चाहते हो और वो रास्ता चाहते हो ज्ञान चाहते हो तो आप सत्संग करा लेना खूब अच्छी तरह से, बड़ी इतने सत्संग से काम नहीं चलेगा आपका, रामलीला ग्राउंड भरायो बिल्कुल से थे, वो यहाँ का कराता तो बहुत जल्दी हो जाता, अब थोड़ी टाइम लगेगी, थोड़े आदमी हैं ये, ज़्यादा को ज्ञान दिया जल्दी मिल जाता आपको, काफ़ी है। अब मैं आपसे एक बात बोलूँगा, मैंने मोटे तौर से आपको 2-3 बात बता दी कि दुख नाम की चीज़ नहीं है इस दुनिया में, क्या क्या प्रूफ है मैं खुद रहा, जीवते मुक्त अवस्था प्राप्त कर लो, क्या प्रूफ है मेरे पास मैं बैठा हूँ अभी तक, 100% तो मैं नहीं रहता हूँ, और एक मेरा गुरु महाराज जी कहा करते थे 100% तो मैं नहीं हूँ, जब तक मुझे वो ज्ञान रहता मुक्त रहता हूँ, कोई चिंता बैग फिक्र मौत का मृत्यु का कुछ नहीं, खुश रहता हूँ। जब मैं नीचे मन के मंडल पर आ जाता हूँ कभी भूल जाता हूँ तो मैं भी मन के मंडल का भेड़ बन जाता हूँ, फिर समझ जाता हूँ ऑटोमेटिक, तो मैं अनुभव कर लिया, पहले थोड़ा कम रहता था अब ज़्यादा रहता हूँ इस अवस्था में, और आप कर सकते हो इसको, अटैचमेंट जितनी अटैचमेंट छोड़ दो सगड़ी, ये समझ लो कोई नहीं मेरे साथ जाएगा अकेला जाऊँगा, पर यह घर में तो बता देना कि मेरा कोई दिलागे नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी, आज का ज़माना है ना, तो इस ज़माने में क्या करें, संत ने बताया कि घरानों को बोलो भाई आप सब कुछ हो बहुत अच्छे हो, मगर साथ अच्छा ड्रामा करो, भाई बेटा मेरा बहुत अच्छा है, हमारे घर के लोग भाई जो लक्ष्मी है घर वाली आई उस दिन से निहाल हो गए, ये हो गया बड़ाई करो ताकि रोटी मिल जाएगी, और पहली बार जाया करता तो ये कहो अगर बड़ा हो गया मुझे कुछ ही लागते हो तो रोटी को नहीं मिलेगी, मुश्किल हो जाएगी, और मांगा कोई गालता नहीं है। तो कलयुग के अंदर क्या है, घर में रहो, घर में रहते अपने मन में सिर्फ समझ दो और साधना करके देख लो खुद, ये बताया आपको यहाँ से देख करके इधर तक अनुभव कर लो। शर्त इसकी क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन करो, अगर ब्रह्मचर्य गिरेडर नहीं बनता साधन तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक विश्वास रखो। कई आदमी आते हैं कि जी मेरा ध्यान नहीं बनता, ध्यान नहीं बनता, वो चाहते हैं प्रकाश नहीं आया, शब्द नहीं आया, छोड़, कुछ नहीं करना, तो विश्वास रख ले जहाँ तेरा जय, राम में रख ले, कृष्ण में रख ले, देवी रख ले, शिव गुरु में, एक एक विश्वास रखो मनवाई नानक सर्व रोक जाए। उन आदमी को देखता हूँ न नोबन तेलो न राधा न से, नहीं तो इसका ध्यान बढ़ा नहीं संतुष्ट हो, भयम डाल दिया लोगों ने सर्व, किसका प्रकाश किसका शब्द, एक विश्वास रखो बस, छोटा नुकता ये, और जो अपना आपको पवित्र कर लो दुनिया आपके साथ कोई नहीं जाएगा, लो हो सके तो घर में मिला के चालो गृहस्थी आने, सब घर वाले अगर ये बात समझोगा सत्संग करा दोगे समझा दोगे तो उन्हें समझ आ जाएगी, घर सुरख बन जाएगा, घर के अंदर खुशी होगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी आपको, क्यों गृहस्थी आने हम लोग, पर फिर सब नहीं हो सके तो छोटा नुकता बता दिया हमें, अपना कल्याण कर लो, और 4 पैसे पास में हैं गुंजाइश है तो सत्संग करा दो, सत्संग कराओगा ज्ञान मिल जाएगा आपको, वो ज्ञान जो बांटोगे वो मिलेगी, उन टेक का सिद्धांत है, जो ही साथ से देंगे वो मिल जाएगा, तो छोटे में बता दिया, आप कोई प्रश्न है तो मुझे पूछो।